हेलो गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल है, कैसे हो, कैसे चल रहा है सब? तबीयत कैसी है अब आप लोगों की, कैसे गुजर रही है आपकी लाइफ, क्या चल रहा है जिंदगी में? वेलकम टू द स्ट्रीम। रफात आलम, क्या हाल है? शुभम, क्या हाल चाल? सैमी जोन फाइनली वो आ गया। यस, गोस्ट राइडर, क्या हाल है? सोमिया रंजन, क्या हाल चाल? वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो रोहन, क्या हाल है? ऋतिक, क्या हाल है? यश पटेल, हेलो डार्लिंग, हेलो डार्लिंग, हेलो डार्लिंग, रात तो बड़ी घड़ी हो गई हो रे डार्लिंग। जावेद, क्या हाल है? हाल हॉल ड्रैगन, यश पटेल, क्या हाल चाल? ऋतिक गुलाटी, क्या हाल है? अर्पण, क्या हाल चाल? और आहू, क्या हाल चाल? सार्थक, क्या हाल है मेरी जान? देवांश, क्या हाल? शूटर पेस, क्या हाल है? शरण, क्या हाल है? शरद, क्या हाल है? आइकन, अभिषेक, अरब, अर्पण, शाहिद शेख, क्या हाल चाल? अर्थर, ये कौन सा है? BBDL अर्थर। हिमांशु, क्या हाल है? क्या हुआ, कड़वा चौथ के लिए मेहंदी लगवा रहे थे? तबीयत ठीक नहीं है यार, आज शर्मा दर्द हो रहा बहुत। फाइनली वी आर विटनेसिंग कंसिस्टेंट दादा है जी। आज आवाज भारी क्यों लग रही है? गला खराब है यार। राका भाई नहीं आ रहे आज, शायद 5 तारीख तक वो ना आए। देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। यस हिमांशु, क्या हाल है? EFT विन फन तो है, फन तो है EFT विन। आज कोई इवेंट है क्या? काइंड ऑफ शायद 5 से 6 दिन नहीं आएंगे राका भाई। यस बाल बच्चेदार आदमी है यार वो, मतलब बच्चे हैं नहीं, अभी हो जाएंगे थोड़े टाइम में, बट वाइफ तो है ना। राका भाई नहीं आ रहा, शायद नहीं आ रहा। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है तो वो 5 तारीख तक तो नहीं आएंगे। JD पटेल, क्या हाल है मेरी जान? अवार्ड मिल गया, वेकेशन स्टार्ट। कमाया है भाई, अवार्ड मिला नहीं है। अवार्ड मिला नहीं है, कमाया है भाई। बैगन, हाँ निकाल बम भाई, दो, क्या हाल चाल? निकाल दो। क्या हाल है टिड्डू भाई? जवाबदार शाम बनाओ, क्या हाल चाल? देर इज समथिंग, देर इज अ मिशन फॉर द फ्यूचर। किसको? अच्छा कौन से? एक मिशन है, एक कॉन्ट्रैक्ट आया है जो आप लोगों को बताना है मुझे। हाई टेबल और डिवाइन ऑर्डर, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोथ ऑफ यू एंड हूएवर विल परफॉर्म बेटर उन लोगों को बताया जाएगा कि क्या मिलेगा। तो मीटिंग करनी है। आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस आ देखता कॉन्ट्रैक्ट। हूँ अभी, दो दो अवेलेबल है, एंड कितनी दिस देर में इज मीटिंग? ठीक 10 मिनट, है, 10-15 मिनट में सब सही है, इकट्ठे कर दो सब लोगों को। ठीक है, ओके, करता हूँ मैं। अब होगा डिवाइन ऑर्डर वर्सेस हाई टेबल।
बड़े किधर हो? 10 मिनट में मीटिंग है। बोलना तो किधर है? मेरी गंदी औलाद किधर हो? ब्रदर निकोला को मैं निकोला आ गया, वो भाई से गले लगने आया हूँ। अच्छा, तैयारी पकड़ लो, 10 मिनट में मीटिंग है। ओ भाई क्या हाल चाल? दादा आप सो के उठो या आपको कोल्ड हुआ है? मेरे को कोल्ड हो गया यार, टाइम को भी बुला लेते हैं यार। तुम सैम मैथ्यू को भी बुला ले। क्या क्या बकेसी हो रही है? सही चल रहा है उसको? क्या एक मिनट रुक जा, बोला बालो बालो बालो। हेलो हेलो हेलो, नेट तो सही चल रहा है आज, सर्वर साइड इशू है। लगे बैठा है क्या तू थोड़ा सा? अबे नहीं आ रही क्या आवाज? हाँ बोल। अभी उसको खाली गैंग्स के साथ मीटिंग करने ले जाएंगे, बैम बैम के साथ नहीं, तो क्या पता नहीं। ठीक है चल। किधर है तू? तू किधर आया मेरे पीछे? छू के आया क्या तू? गाड़ी गर्मा खड़ी करनी है, आ जा। तेरी गाड़ी लेके चलते हैं, बैम से बात करने ही चलती है ना। बैम से नहीं बात करनी, डिमांड ऑर्डर भी आएगी। हैं? तो हमको हाँ पूरा गेट अप में चलना पड़ेगा, गेंद तोड़ेंगे आज। बाकायदी कर रहे थे ना उस दिन, देखे आज मैं कैसे मारता हूँ। चलो अभी चलना है, अभी 10 मिनट में रेडी हो जाओ, वो ये बोल रहा है। स्टैक अप हो क्या? का फोन का फायदा तो है नहीं, दे दो बजे तो। ना 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 अभी नहीं देना, देख फायदा नहीं है ना, एकदम से नहीं मारेंगे, क्या क्या लेंगे सालों पे। डायलॉग मार लो तुम, डायलॉग मार लो, नहीं मार लो तेरी क्या कह लूंगा, तेरी क्या कह लूंगा। मेरे पास भी जाना यार, थेरेपी कराने यार। किसके पास? टीना के पास, डॉक्टर लीला के पास जाएगा तू? हाँ थेरेपी करके पैसे खिला के करना है कुछ यार। नहीं तुमने बोला था थेरेपी। मसाज मसाज आगल है तू चूती। ये बेंचो लू बंद हो जाएगा मेरे, इसको लगे ठंड, वो पंखा बंद कर लो। भाई ले लें क्या? सैम मैथ्यू को भी ले लेते हैं, मैं तो बोलता हूँ इंट्रोड्यूस तो करना ही है। एक ना एक दिन भाई तू सही कर लेना, ये तूने क्या लगा दिया चूतिया एकदम से? तो क्यों दब जाता है ना चालू? मेरे को गैस शॉट आज के प्ले बॉल के, मैं जनरेटर चला के आया जिंदगी का। गाड़ी तेरी
अरे दिन हाँ सोती आजा भाई पिक करना है। क्या हो गया? अरे गाड़ी नहीं है मेरे पास, तो तू चला रहा था अभी, कहाँ गई वो? नहीं लेके जा सकता। अबे यार तू चूतिया तो नहीं है थोड़ा सा? निकालना ठीक है, इतनी गाड़ियां तेरे वाह भाई, निकालना सामने से लेके जाते हैं ना, बुकरी या फरारी निकाल लेने के चलते। अभी नहीं, वो जब जा रहेंगे जब। अभी मैं सोच रहा तो हूँ कि शाम चलना शाम को भी ले लेते हैं ना। अभी आ जा, पोस्टडी के गाड़ी ले आया तू और बोल रहा है गाड़ी नहीं है। चलो तेरे में चलते हैं। बैठेगा? ठंडी हो गया तेरी गाड़ी में? तुमको मना किया था ना इसमें अलाइनमेंट कराने, किया था नहीं किया करवा था? लिया तेरा बाप ने अलाइनमेंट क्यों करवाया? भोसड़ी के ना बोला था तेरे को भाई, को बोल रहा करवा लो, को बोल रहा नहीं करवा लो, क्या करूं? अब वापस हटवाऊं? मैं तो सोच रहा हूँ क्या स्टॉक चलाऊं, वाइट बॉडी या तेल लेने, हर चीज रड़ा के चलाऊं स्टॉक पे, और सिर्फ अभी इंजन अभी अपग्रेडेड बस। कुछ नहीं। जा मुबला उठा के आ, चल शाबाश जल्दी क्या मुबला उठा के आ जा। है जेब में? कॉल करना फिर, बोल लेडी रहे। कोई और गाड़ी चाहिए होगी कोई? तुम तो बाइक करा मोटरसाइकिल पे आएगा? हाँ भाई बाम भाई बताओ किधर आना है। हाँ निकोला, कौन से वाले चपड़ा बन गया, अपने वाले क्या वो वाले? नहीं नहीं उसमें जाएंगे ना, सिविलियन बन के जाएंगे। वही वाले हैं ना, आ रहे हैं ना रेडी डिमांड हो जाओ, जाना है जल्दी। बस तो ठीक है, वो वाले चपड़ा बन के डीमन किधर जाना है? जोकर मीटिंग है किधर निकलो? हाँ नहीं नहीं हम साथ जाएंगे, उसको बोल हम पिक करेंगे तुझे। हम पिक करेंगे तेरे को। कैसीनो के बाहर से? कैसीनो के बाहर मतलब कैसीनो के पार्क में। ओए सुन तेरी बाइक किधर है? जोकर, मेरी बाइक नहीं ये लेके R1 में चलते हैं आज। एरोन में चलता है, कुछ सामान अबे तुम ले लेता है। होंगे जैसे थोड़ी है, हमारे पास पैसे ना। डीजल की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। हेलो, क्या हाल है आयुष मेरी जान? क्या
आर्मर फुल फुलवा से मिल जाएगा, और रैलिक है कल आर्मर दे वो दे चाबी वो क्या दे तो। दे मैं तुझे लूंगा, मुंह में ले लेना एक बार मैं तेरे को दूंगा, ले लूं क्या हेली में खुद का फायदा नहीं है अभी पैसा लगा, वेस्ट मत कर। अभी ऐसा टाइम आने वाला है क्या, हमें फ्री में गन बना के देनी पड़ेगी लोगों को। तो मैं तो मैं पर्सनल अकाउंट से तो दूंगा पागल, फ्री में क्यों देनी है, अगर पागल है तो क्या। अगर आप अपने ये लोग लड़ेंगे तो उनको सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। अबे तो फ्री में थोड़ी देंगे, 18,000 का एक हाँ पार्ट चार्ज हुआ नहीं हुआ है, करेंगे, हाँ चार्ज नहीं करेंगे, बट वो तो पड़ेगा ना, पार्ट्स तो लेने पड़ेंगे ना, पार्ट उनको लेने पार्ट पड़ेंगे तो गंदे और लगती है। मटेरियल तो हमारी जेब से लगेंगे ना सब, छूटी है अरे वो तो बहुत स्टॉक है, छूटी है, इसका टेंशन नहीं लेना मेरे पास। अट्ठारह हजार का एक हो गया पार्ट, वो तो वो डिवाइन होने वाले की वजह से वाय तो हुआ है, आप क्या ही कर सकते हैं बता। वाय तो गेम भी तोड़ेंगे ना उनकी ना। अब 60,000 की एक डीएल बनेगी बताओ, वैनम नाम है उसका एक का, सात क्या नाम है ना, ऐसा कुछ नो मेरे बैठ को गए स्पाइडरमैन आज। अगर तूने रोज रहा बैटल तो तू जो अगर हारा, अरे यार ये या ऑलरेडी हो गया यहाँ पे, तो एक काम करता हूँ मैं, जाता हूँ फटाफट हेलीकॉप्टर निकालता हूँ, सुन सुन सुन। नहीं 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 रुक 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 रुक, ये चूतिया अपना ही है, सैमी है, नहीं आ रही है, चेंज करना तू, क्या चेंज करूँ थोड़े और क्या आई जड़ी माँ की जड़ी। हाँ तेरे पास की चाबी है नहीं, तो जा रहे क्यों कर रहा है, बैट ना बना रहा हूँ, नहीं बना नहीं बना, चोरी का नहीं चला। अबे 8,000 अबे का वैली है, क्यों वेस्ट कर रहा है पैसे, एक बीघा जाएगी उसमें, आ जाओ वापस। अबे नहीं नहीं चल, अबे बना रहा हूँ चाबी, चूतिया की नहीं मानता, दो हेली लेके जाएंगे क्या, बहुत पैसे है, दो हेली नहीं लेके जाएंगे इधर से, ये वाले हेली मार रेंट वाले में वाले यहाँ। अबे आ जाना, ये भी रेंटल ही है गांडू, क्यों वेस्ट कर रहा है अपना तुमने पैसा, उसका बीगल बना दरवाजा भी निकाल लिया, अली किसका, का चाबी बना ली तुमने, आगे लेके हाँ आ जा आ जा, मेरे को दे मैं चलाऊंगा, बैठ चुपचाप चल। अबे मैं चलाऊंगा तरीके से उतारना है एकदम स्वयं में, समझ रहा है, हट जा हट जा हट जा हट जा, नहीं 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 हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा, दिना कर तू पक्चो, दिना कर पक्चो, दिना कर हट जा हट जा, चलाना तक तो चलाना दे, फिर चला दे हट जा हट जा, बैठ ना लोड़े, कैसीनो तक चला चल, बैठ जाना कैसीनो तक, चला चाबी दे मेरे को पहले, क्यों नहीं है इसमें, गिर जाएगा, उतार लेगा ना तू, डायरेक्ट डायरेक्ट उतारना है, अभी अभी इधर उधर बाकी इतनी मत डाल, डायरेक्ट जा वहां पे, गिर जाएगा ये। नहीं है नहीं है, मित्र को नहीं पता ना अभी क्या सीन शुरू हो जाएगा। हाँ फटाफट इसको ब्लॉक करा, ब्लॉक करा, टाइम लगने वाला है क्या किसमें, ये जो अपन अभी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से पता नहीं देखते हैं, दूसरा हाल एलिवेट को उतार रही, जल्दी उतार, चबा लगे बंद होना शुरू हो गया,
अबे इससे आगे वाले पे ब्लैक फूड थैंक यू सो मच फॉर टाइम एंड गिफ्ट भाई तू मेरे को ही चलाने दे तेरी बहुत मेहरबानी होगी भाई इतना अच्छा तो चला रहा हूँ चूतिया है क्या नहीं चोद इतना अच्छा तेरे बाप ने कभी लैंड किया है चालू किया ना गांड मार दूंगा तेरे तेरे तरह तोड़ दूँ साले Blackfoot, thank you so much for 5 gifting, Meri Jaan, thank you. Love you, brother. 104 हो गया जी मेंबर. कल आऊँ. ये लाका नहीं आके दे रहे हैं क्या था बहुत टाइम बाद आया हूँ अरे भैया वेलकम टू द स्ट्रीम भरेगा आज की तारीख में तू मेरे पास 1 ही घंटा है मैं तेरे को पहले ही बता दूँ हाँ हाँ 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे अगर तू वो हेलीकॉप्टर मुझे चलाने देगा तो चलो ड्राइवर तेरा बाप होगा नहीं ड्राइवर हाँ हाँ ये तो है मेरा बाप चल ड्राइवर तेरे को चलाना आता नहीं है ऐसे कौन चलाता है जब तू मैं भी पहन रहा ना जब से हेलीकॉप्टर चला रहा हूँ मैं गाड़ी चलाता होगा तू अच्छी बोला उसको कितना से 900 उड़ाएंगे हाँ बोला था बंदूक किधर रह जाता है भाई बहुत देर लगा ये रहा आ गया नीचे का नीचे बताओ उसके हेली में नहीं आ रहा है वो चलाना आता है ना तेरे को बाप को मार से काम चल ओ माय गॉड बैठ भाई ड्राइवर थोड़ी है हमारा आगे बैठ जाता ये ड्राइवर ही है चलो ड्राइवर हाँ भाई किधर जाऊँ मैं हाँ भाई आ गए आ गए आ गए हवा में देखो हवा में देखो हवा में अबे हवा में तो तूफान आ रहे हैं तूफान लेके आएगा साथ में तेरी वजह से मता है भाई फुल सिंडिकेट डेविल तेरे को माता आ गई कि ऐसे क्यों हंस रहा है हंस रहा है कोई ना कुछ नहीं आया रे मेरे को कुछ नहीं आया ठीक है
तो यार देखो बात ऐसी, आई जस्ट रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम टेलोन दैट एक क्लाइंट है हमारा जो बहुत अमीर है, पैसे वाला है, उसकी 25 गाड़ियाँ जो हैं वो गई हैं चोरी, और चोरी होने के बाद पुलिस वालों ने वो पकड़ लिया। वो जो गाड़ियाँ थी वो थी विंड स्क्रैच्ड, तो पुलिस वाले जो लेके जा रहे हैं उनको इम्पाउंड करने। अभी आज से इंफॉर्मेशन ये आई है कि आज से लेके अगले 5 दिन, जैसे कल परसों और उसके बाद 5 दिन, हर एक दिन 5 गाड़ियाँ इम्पाउंड होंगी। ओके, कोर्ट से ऑर्डर वॉर्डर लेके जैसा भी उनका सिस्टम बैठता है वैसे गाड़ियाँ इम्पाउंड करेंगे हर एक दिन। और तो इतनी सी बात है, वो गाड़ियाँ हमको बचानी है इम्पाउंड। यू गाइज हैव रिसोर्सेज, यू गाइज हैव कनेक्शंस, रिलेशंस विद द गैंग्स, जिनसे तुम्हारे बढ़िया रिलेशंस हैं, बढ़िया बातचीत है, उन गैंग्स के पास जाके तुम्हें मदद मांगनी है। व्हाट? अरे चिल का कोई नहीं, कुछ नहीं पता रहता। आज हेलो बने हैं ना, हे पी हेलो भी बहुत बहुत घूम रहे हैं। तो तुम लोगों को जाके उनसे बातचीत करनी है, गैंग्स वालों से उनको मनाना है। वो तुम्हारी दिक्कत है, कैसे बात करोगे, कैसे क्या दोगे उनको ये सब काम वाम करने के लिए। तो बेसिकली बस इतना है कि तुम दोनों जो अलग अलग ग्रुप हो, जो ज़्यादा गाड़ियाँ ला के देगा, जो ज़्यादा गाड़ियाँ बचाएगा, वो टेलोन को उतने खुश करेगा, एंड जितना ज़्यादा खुश हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी तुमको उतना ज़्यादा ही सम्मान व मान मिलेगा हमारी तरफ से। ठीक है, कुछ नहीं यार, हेलो इवेंट चल रही है ना, इवेंट सब पे। और वन इनफॉरमेशन कैसे आएगी थोड़े पहले? इनफॉरमेशन रोज मैं दूंगा तुमको। आई विल लीव अ मैसेज एट 9 बिटवीन 8:30 to 9:30। जैसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी आई विल लीव इट टू योर फोन नंबर। तो हाँ, किसके फ़ोन पे छोड़ूँ मैं? एक ही बंदे के फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन छोड़ूंगा, मेरे को बता दो। 8:30 to 9:30 इन्फॉर्मेशन विल कम। 8:30 है तो मेरे छोड़। ठीक है, मैं इन्फॉर्मेशन छोड़ दूँ कि ऐसी गाड़ी है, इतने बजे से यहाँ से निकलेगी, उसकी लोकेशन जहाँ से इम्पाउंड होगी और जहाँ पे इम्पाउंड होगी और टाइम, तीनों चीज़ें तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएंगी। वो तुम्हें गैंग्स वालों को बतानी है, जिस गैंग को इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करो, को जो देना है दो। सही। और वही है, तुम्हें कुछ चाहिए हो टेक्निक की तरफ से तो वो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात अगर जो अवेलेबल होगा, क्योंकि वो गाड़ियाँ निकलवाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो क्लाइंट है जो हमारा, वो बहुत ज़्यादा खास आदमी है। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, जाओ फिर। वेट क्या कर रहे हो? बात करो गैंग्स वालों से अगर नहीं है, देखो कौन सा गैंग है जिसको इस्तेमाल कर सकते हो, बताओ बताओ। नहीं, I was thinking के should we distribute gangs among ourselves, or it's up to distribute? Them to... It's about I mean, the relations. जिन गैंग से तुम्हारे अच्छे relations हैं, जब तुमसे बातचीत करो, वो तुम्हारे ऊपर है। कौन सा गैंग तुम्हारे लिए काम करेगा, कौन सा गैंग नहीं करेगा, वो तो तुम्हें मनाना है। गैंग्स को जाके तुम्हें लगता है जो गैंग तुम्हारे लिए काम करेगा उन्हें उनसे जाके बातचीत करो, और क्या। इट्स ऑल अबाउट how good relations you have with the gangs, because then only they will respect you and do your work, your dirty work. हमें तो मनाने की जरूरत नहीं है, लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं। हाँ, मतलब उन्हें लालच दो, पैसा दो, बंदूकें दो, you guys have all the resources, if you guys want something from me, तो वो बात है, उसके लिए बातचीत थी। You guys have all the resources, जा गैंग्स वालों से बात करो एंड देखो कि कौन तुम्हारे साथ काम करेगा कौन नहीं करेगा, वो तुम्हारे पर डिसाइड करना, किस गैंग को तुम्हें बोलना है काम देने के लिए। बस ये है कि आज तो नहीं, कल से गाड़ियाँ इम्पाउंड होना शुरू होंगी,
हर दिन 5 गाड़ियाँ इंपाउंड होंगी। अब तुम लोग अपने अपने गैंग्स को जाके बोल दो, क्योंकि अभी जो ये कंपटीशन था नहीं, लेकिन बना दिया गया है इसको। जो तुम दोनों में से ज़्यादा गाड़ियाँ ला के देगा उसको मैं मानूंगा कि वो ज़्यादा केपेबल है, उसके ज़्यादा अच्छे कनेक्शन हैं सिटी में, उसके ज़्यादा अच्छे रिलेशन हैं, तो फिर चीज़ें भी उसी को ही बढ़िया मिलनी चाहिए। क्यों वसूली, सही बोला ना? वैसे एक बात मैं क्लियर करता हूँ आपको, अभी यहाँ पे खड़े हो गए कि कंपटीशन उन लोगों में होता है जो लोग बराबर के होते हैं। फिर भी हमें मिटाने चले हैं मिस्टर, यू डोंट नीड टू। यहाँ हो चुका है क्योंकि हम बराबर, मिटाने की हमें जरूरत ही नहीं है, तुम अपने आप को खुद ही मिटा दोगे। अब अपने से अपनी वर्थ प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बट ये सारी चीजों में पूछना चाहूंगा कि मैंने आपको पूछा क्या? बातें बातें बहुत हो गई हैं, मसाला बन चुका है यार, ये खाली बातें ही कर पाते हैं यार। इसे इट्स टाइम टू प्रूव इट, इट्स टाइम टू प्रूव इट नाउ। एग्जैक्टली, तो दो बड़े जब बात कर रहा हो ना तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझाया करो। समझाया नहीं है तो मैं तो क्या है, तभी तो हम कर रहे हो शांत रहने कह रहे हैं तुम्हें। एग्जैक्टली, ओके विल सी आफ्टर 5 डेज कौन ज्यादा गाड़ियां लाके देगा मुझे। ओके ओके, जाओ जाओ भीख मांगो लोगों के आगे के, गाड़ियां बचाओ, जाओ जाओ। या कहावत है ना, आंड के ना गांड के ज्ञान चोदेंगे ब्रह्मांड के, इनसे सीखो। अब सुन, टट्टे जितने भी बड़े हो जाए ना, रहते लंड के नीचे ही है, तो ज्यादा मत उछल। कल देखेंगे जो, हाँ तो मिलते हैं ना यार। हाँ मिलते हैं, मिलते हैं, चल अपना काम करो यार। ऑन इट वे, ज्यादा भीख मांगनी है। लास्ट टाइम वाली कहावत समझ में नहीं आई, सयानी कुतिया पता चलेगा 5 दिन, 5 दिन के बाद पता चलेगा, कहीं जाके घू खा लो अब। हाँ 5 दिन के बाद दिखाऊंगा कौन घू खाता है। डायरेक्ट मीटिंग में ले रहा हूँ। हाँ डायरेक्ट मीटिंग बुला, ये बढ़िया था गुरु। और जो हमारा साथ देगा उनको ग्रैपल मिलेगी। गाली दे रहा है शॉट है, कौन तरफ बैठे रहते बट ये हमारा ऑफ से एक शॉट डिवाइन ऑर्डर वाला। एनआरपी एनआरपी बी एनआरपी बीफ क्रिएट करनी है एक्चुअली। हां हां 2 दिन का मेहमान है, अभी खत्म हो जाएगा 5 दिन के बाद। अरे ज्ञान चोदना आता है इनको, सिंपल चीज है, अभी मैं चुदवाता हूं। अपने साथ कौन कौन है? अपने साथ जो अभी ग्रैपल की वो दूंगा ना, सबको आना ही पड़ेगा। देख मेरे को कोई नहीं चाहिए, हाइड्रा मेंटम एलएसडी और रस चाहिए बस, और कोई नहीं चाहिए। आते हैं और रस के साथ मेंटम के साथ एक और लोग भी आए थे जो उस पे रहते हैं हेज के करीब रहते हैं। अपने को कोई टेंशन नहीं है, बिक उनको मांगनी है तो टेंशन ना ले, बुला ले सबको। बुला किस किस को बुला ले, बस लोकेशन पे पहुंच कर कर बुला बुला। सबको बुला लिया मैंने, पिंग आ भी गए, ड्रॉप करना है बस। तूने सारे सबको बुलाया या फिर अपन से जो क्लोज है? सीधा सिंपल चीज है, जो हमारा साथ देगा उनको ग्रैपल की ऑफर देंगे, खत्म बस। ठीक है, रिसोर्सेज आएंगे, हार्मनी है इसलिए। बालास पे लगा दो टालास। थैंक यू मिर्जान फॉर 100। सारे गैंग अपनी साइड है, उनके लिए कोई हमें ऐड ही नहीं, ऐसा नहीं होगा कुछ। इट्स ऑल इन आयर भी है, रन सब बहुत अच्छे हो रहे हैं इनसे, जब भी तो बाकी थी करते हैं इतने सारे गैंग्स को बुलाओ और बोलो जो उनका काम करेगा। गैंग से बीफ नहीं देनी हमको अभी। हाँ बता फिर, थ्री थ्री फोर टू फोर टू वन एट फोर टू फोर सिक्स वन एट फोर टू फोर सिक्स और
लाल कौन सा भेजा? हाँ लाल कौन सा भेजा तूने? मेरे को याद नहीं है, दोबारा बता। 334 334 और 242 वैलेस पे लगा डूटल लाज 184 हाँ 246 हाँ 25 36 हाँ आज भेजता हूँ बात। सीसाइड वीसाइड सबको बुला लिया ना, वागो सीसाइड 319 सारी गैंग, सारी गैंग 319 291 हाँ बस अभी के लिए इतने ही। ओके ना तीसरा कहाँ चला गया? 168 168 डोंगल नहीं, अनोनिमस पिंग का मतलब यही है। देख अभी अपन को क्या करना है सुन। रुक जा हमारे पास जो वेपन है उनके पास नहीं है। नहीं सुन सुन, हमको बेसिकली फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना है, समझ रहा है तू? और ज्यादा हमको ऑर्डर नहीं देना उनको। रिस्पेक्ट से बात करियो, ऐसा हाँ कि तुम कर हमारे लिए तू क्यों, कर हमारे तू साथ तू काम कर रहे तू हो? डील कर, तू लीड कर। डिवाइन ऑर्डर के साथ जब भी मीटिंग होगी वहां पे बाहुम के पास, उनकी मैं उतारूंगा, यहाँ पे तू डील करेंगे। चल जाए मुझे जहाँ एडिशन एडिशन की जरूरत पड़ेगी मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है? डन है। डिड यू वॉच पाकिस्तान मैच टू डे अगेंस्ट बांग्लादेश? नहीं यार मैं क्रिकेट देखता ही नहीं हूँ। यो यो व्हाट मैम को वो भी तो ऑर्डर दे देंगे हम लोग, टेंशन की बात नहीं। अप? हाँ बोलो। हाँ सो समझ आ गया ना तुम्हें कि हाँ क्या समझ काम आ करना गया। है? रोजाना एक एक दिन हाँ एक एक तो गाड़ी होगी और उसको निकालना है। एक गाड़ी नहीं होगी भाई, तुमने सुना ढंग से? पांच गाड़ियाँ होंगी पांच गाड़ियां हैं लेकिन एक पर दिन डे में। एक गाड़ी होगी ना, हाँ या एक दिन में पांच नहीं, होंगी? एक दिन में टोटल 25 गाड़ियाँ हैं जो उसकी ओ इम्पाउंड होने ओके, वाली हैं, जो उस आदमी की इम्पाउंड होने वाली हैं 25 गाड़ियाँ। तो अभी पर डे जो पांच एक गाड़ियां दिन, होंगी। हाँ पर डे 5 गाड़ियाँ होंगी, तो तुम्हें गैंग्स वैंग्स जो तुम्हें तुम्हारा मतलब हाँ तुम्हें लगता है जिससे रिलेशंस अच्छे हैं, तो हर दिन एक गैंग को चूज करना है और उन्हें भेजना है। तो 5 गैंग है, 5 गैंग अपने को चूज कौन कर लो कौन तुम पता है अभी अपने तक, हिसाब अपने से साथ है? हाँ डेली मुझे बेसिस जाके पे बात पांच गैंग करो। जाएंगे ना हमारी साइड से? हाँ डेली बेसिस पे एक गैंग जाएगा, 5 दिन में एक गैंग जाएंगे, एक दिन में एक गैंग जाएगा, एक 5 दिन दिन में पांच पांच दिन गैंग में जाएंगे। पांच गैंग जाएंगे, ठीक है? टोटल 25 हाँ गाड़ियां और हैं। हाँ उस गैंग के 10 लोग सकते हैं वो लोग उस गार्ड निकलवाने के लिए, क्योंकि सामने पुलिस पुलिस गैंग के वाले दस लोग बंदे जा हैं। सकते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, और क्या पता सामने वाले डिवाइन बोल दो ऑर्डर क्या गन्स से भी हम जो देंगे? गैंग जा रहा है वो तुम्हारे गैंग को मार वार दें, क्योंकि गाड़ियाँ उन्हें भी निकलवानी है तुम्हें भी ओ वो तो निकलवानी सब है। रेडी है, टेंशन ही नहीं लो। हमारे वाले तो लड़ने मरने के लिए रेडी हैं, वो तो मेरा ऑर्डर का वेट कर रहे हैं कि कब वो मैं तुम्हारे उनको बोलूं। रिलेशंस के ऊपर है। हाँ बस वो तुम्हारी बात बात कितनी मानते हैं, कितने पालते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है। हाँ ये तुमने दिया ना फ्री हैंड, अब तो गाड़ी अगर हम ही निकाल दें सारी तो वो हाँ बस बढ़िया, दैट बस गुड यू है। विल प्रूव सामने दैट यू वाले की हैव गाड़ी गुड चुरा सकते लेफ्ट। हो ना, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं बस भाई, खत्म कहानी। वो तुम्हारा तुम्हारे ही क्रिएटिविटी पे है भाई कि तुम कितना सोचते हो, कितना कर सकते हो, कितने काबिल हो। ठीक है ठीक है डन। चलो। क्या बोला कौन था? पिंग बता।
346 हाँ इधर ही हम लोग भी ऑब्जर्वेटरी ना जो पास में द कीज थिंकर 150 पांच गैंग बुलाने थी फुल मसाना हम ये फुल बाशाड़ मचाने हम मशीन आ लिए हर बार इतने बजने के बाद हार जाते हो अच्छा नहीं लगता फिर अबे हम लड़ाई कब है चौंकू लड़ाई कब हुई है हमारी मैंडम के 50% क्या मैंडम के 50% हो गए क्या हो गए 54 स्प्रेस 54 बोलो बोलो करते हैं बॉस को आया सब चेलर सार पे तो अपना टेंशन क्यों ले रहा बहुत ज्यादा नहीं आ गए इस बार कौन चलो बताओ अलग अलग हो जाओ ग्रुप वाइज गैंग हाँ अपने अपने ग्रुप के साथ आ जाएगा कौन आया कौन नहीं रेडियो की बैटरी खराब अभी तो मैंडम और खेला कोई नहीं बोल चालू तू कर 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 चालू आने देना और सी साइड वाले का बाबोस है बालास है और जेएसएफ बोरस किधर है ये पर्पल है नहीं ब्लैक है वो हम भी है कलर ट्रस्ट भी है यस और कौन कौन रह गया अभी बॉन्डा है एलएसडी जी रह गई शायद बॉन्डा और एलएसडी बाकी हैं बीबीएमसी वाले तो शायद दिखेंगे नहीं आई गिव देम अ कॉल इफ दे आर नॉट अराउंड विल स्टार्ट एंड आई थिंक प्रीटी मच एवरीवन इज हियर ठीक है So, congrats for the 54, by the way. Thanks. Also, thank you. Okay, it's high time. So, हमारे लिए नहीं, हमारे साथ काम करने के लिए. You guys have to offer you something. Basically, we need you guys. हमें एक चीज, like हमें जो टास्क में उसके लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए फर्स्ट ऑफ़ ऑल. रिसोर्सेज सारे हम देंगे. बस इन रिटर्न अश्योरेंस ये कि हमारे लिए काम करोगे हमारे लिए नहीं बस अभी नेक्स्ट 5 days तक कुछ चीजें तुमको सिक्योर करनी है हमारे लिए तो मैं इन शॉर्ट बता दूं तुमको चक्कर कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक क्लाइंट आया और उस क्लाइंट का कुछ सामान है वो तुमको हमारे पास लाना है ठीक है जिसमें हमारा भी प्रॉफिट है और आपका भी प्रॉफिट है तो मिला जुला प्रॉफिट है और ऑब्वियसली जो लोग साथ हैं हमारे उनको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है दे ऑलरेडी नो दैट तो हम यहाँ पे खाली पैसे बनाने नहीं अच्छे रिलेशन भी बनाने हैं और लॉन्ग टर्म साथ चलने के लिए आए हैं आपने जैसे देखा सुना होगा देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं सिर्फ गन बेचने पे फोकस ज़्यादा करते हैं उनको कुछ नहीं पता होता कि कहाँ सामने वाला कैसा है क्या है कुछ डिटेल नहीं पता बस उन्होंने एक मार्केट लगा के रखी हुई और उस मार्केट में जाके गन्स बेचते हैं और बोलते हैं जी हम तो ये हैं हम तो वो हैं तब बकेती करवा लो बस तो अपना कुछ देखो आगे एक सेकंड आगे डिस्कस करने से पहले आई रियली वांट कि हमारे साइड जो है
वो एक साइड हो जाए एंड एज यू माइट ऑर्डर बी बी और एक है जिसके साथ यू नो पी एम फ्यू बी गैंग्स माइट वांट टू वर्क तो वो अलग हो जाए पहले से बट जो हमारे साइड है उसकी पूरी अश्योर चाहिए कि दे विल वर्क फॉर अस ओनली और विथ अस तो आई सजेस्ट कि जो जो हमारे साइड है लाइक राइट साइड आ जाओ मैंडम के साइड जो भी गैंग साथ में नहीं है एंड जो लोग ने अभी तक साइड चूज नहीं किए दे से दे कैन स्टे इन बिटवीन हाँ एक काम करो ना एक एक बंदा आपके ग्रुप से हमारे पीछे पीछे आता रहो तो हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन सा लीडर्स आ जाओ एक्चुअली हाँ यू मिस समथिंग हाँ अभी अभी करते हैं बात एक काम करते हैं जो हमारे नहीं है वो साइड आ जाओ एक्चुअली अबे ठीक है ना तो पता है तो सभी तो आ गए एनीवेज चलो गुड फॉर अस सो बीबीएमसी यू गाइस नीड टू बेसिकली चूज डिवाइन ऑर्डर और हाई टेबल वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डील विद हमारे साथ काम करने के लिए हमें गैंग्स की मदद चाहिए एंड जो भी हेल्प हमारे साइड से होगी विल ट्राई टू हेल्प यू तो इधर जो भी राइट साइड हमारे पीछे खड़े हैं हमारे साथ जो खड़े हैं वो लोग बेसिकली हमारे साइड है अभी के लिए एंड दे आर रेडी टू हेल्प अस आउट सारे साथ आ गए तो अभी बॉल बीबीएमसी आई गेस तुम दोनों का बाकी है डिसीजन ले लो एंड उस साइड तुम लोग खड़े रह सकते हो इफ यू वांट देखो हमारे साथ हो या ना हो इट डजंट मैटर आपका अपना डिसीजन है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से ऑनेस्टली आपका भी प्रॉफिट है और हमारा भी प्रॉफिट है अगर आप हमारे साथ रहोगे तो बाकी आपको ऑफर दूसरी साइड से भी आएगी बैक स्टैब नहीं करना अबे मुंह पर बोल के जाना कि हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ नहीं हैं ये बोल के जाओ हाँ हम रिस्पेक्ट करेंगे आप आराम से बैठो हमें बोलो हम आपके साथ नहीं हैं और चले जाओ हमें कोई टेंशन नहीं है Apart from the other gang, basically we are a club, so our decision is not one person. So I would love to keep your offer. Haan. On the spot, I would not be able to let you know my response. Okay. But for sure, like let me have a word with boys and I will let you know my response. No problem. Take your time. अभी आप जाओ अपने boys से discuss करो फिर हमें बता देना कि क्या आपका जो है answer है ठीक है? Yeah. Thanks for the offer too. What about ballers? Ballers. जरा चिल्ला के बात करना ओके नो प्रॉब्लम थैंक यू साउथ साइड गेरी है भाई चलो बाय बाय ये तो एक तरीके से वेस्ट साइड वर्सेस साउथ साइड होने वाला है हो गया शायद ये लग रहा है पूरे ऊपर ऊपर के साइड पे आते हम नहीं मार यार बीबीएमसी वाले को मार दूंगा नहीं नहीं ओए कुछ नहीं कुछ नहीं यहां पे नहीं होगा यहां अरे टी साइड वाले को उधर चले जाओ हमको मौका मिल जाए अबे ओए चुप ओए हमारे सारा पर्सनल पर्सनल बीफ आप अपने पास रखे यहां पे पर्सनल बीफ नहीं है नीचे ये अब एक काम करते हैं ना नीचे हो जाते हैं अब जब सब हां अब ये लोग जाते हैं तो फिर हम बन डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली सीन कैसे चलेगा और क्या जा जा रास्ते में डोंट तो अभी हमारे पास कितने लोग हो रहे हैं 500 ऊपर ही हैं शायद सारे हां सारे है ना स्क्रीन बस उधर है सोचते थे वागो जी सब बॉलर सर्व के सारे इधर डिवाइन और वागो जी सब पढ़ेंगे चाटे तो देखो हां आई विल फिल यू गाइस अप ठीक है नेक्स्ट फाइव डेज के लिए कुछ चीजें होंगी इंफॉर्मेशन गलत गलत वर्डिंग किया तुमने वर्डिंग गलत है इसके कोई बात नहीं सीख रहा है थोड़ी इंग्लिश की क्लासेस जा रहा है अच्छा तो 5 दिन है 5 दिन में 25 गाड़ियां लेकर आनी है पुलिस ने हमारे जो है क्लाइंट है उनकी गाड़ी चुरा ली है कोई 25 गाड़ियां चुराई हैं आपको पुलिस से मार के लेकर आओ प्यार से लेकर आओ उठा के लेकर आओ किसी भी तरीके से लेकर आओ 5 दिन में टोटल 25 गाड़ियां चाहिए होंगी और
जो ऑफ कोर्स गाड़ियां ज्यादा लेकर आएगा उसको हमारी तरफ से भी रिवॉर्ड मिलेगा, और ये एक तरीके से हमारे कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है डिवाइन ऑर्डर से। और ऑफ कोर्स योर फेवरेट पार्ट, आप डिवाइन ऑर्डर वाले लोगों को मार के भी उनके गाड़ी ला सकते हो। क्या बात की है ये यार काम की चीज बताइए, ये काम की चीज बताइए। वही तो चुप हो जाओ। नहीं 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 उनको हम देखेंगे, दीवान ऑर्डर को हम देखेंगे, लेकिन वो बजलेट लड़की को ना उसको मारने। अरे नहीं लड़की नहीं, हाँ वो कंटेनर वाली लड़की, वो कौन है रस की जैकेट पहने घूमता है, वो कौन है उसको कंटेनर में वापस बंद करके शिफ्ट कर दो। तो मीटिंग में नहीं करेगा कभी वो, नहीं वो रस वाला कौन है, डेड डेविल है, उसकी जैकेट फाड़नी है, उसकी जैकेट फाड़नी है। और जैकेट क्यों फाड़नी है, उसका जैकेट लो और फिर उसको फाड़ो। और एक और गुड न्यूज है, अब जो है आप 6 नहीं 10 जा सकते हो उस काम के लिए। सिंगल गैंग 10 बंदे जा सकते हो। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए यार। 10 बंदे जा सकते हैं एक सारे, हर गैंग से 10 बंदे जाओगे मतलब। फॉर एग्जांपल अभी हम पांचों ने एक ही दिन सोचा, लाइक जितने भी इधर खड़े तो इतने के इतने लोग उठ के चले जाए 50 के लड़के तो भाई, बट बाकी में तो है नहीं 10। वो अपना देखेंगे, उनके तो बीवी है। आदित्य भाई थैंक यू सो मच फॉर 40। देखो रिसोर्सेज सारे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो भी तुम लोग को रिसोर्सेज सारे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी प्रोवाइड करेंगे। एंड आगे के लिए अगर वो चीज हमारे लिए सक्सेसफुल हुई, अगर हमें जीत मिली इस चीज में, तो विल स्टार्ट सप्लाइंग यू सम स्पेशल स्टफ एज वेल। उसका ऑर्डर लेना चालू करते हैं, एंड फॉर यू गाइस ओनली, इट विल बी लिमिटेड जो हमारे साथ खड़े। एंड अच्छा एक और चीज, पर डे पर गैंग जाएगा, तो अब ये हमको आपस में डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले कौन जाएगा। कल से जो है गाड़ियों का सिलसिला शुरू है 5 दिन तक, अब ये हम आपस में डिसाइड करेंगे कि 5 दिन तक कौन जाएगा, और बाकी जो लोग पेंडिंग रह जाएंगे उनका भी कुछ ना कुछ करेंगे, टेंशन ले लो। एक सवाल पूछना है, हाँ ये पीछे वागोस और जीएसएफ यू खड़ी अभी तक सुनने दो उनको, क्या फर्क पड़ता है। तो हमें अभी तुम्हारे दूसरे साइड पे भी बुलाया जाएगा ऑफ कोर्स, ये टास्क के लिए केनन ले आओ, गैंग्स विल नीड। हमारे लंच से नहीं जाएंगे, हमारे लंच से देख लो, वो तुम्हारा अपना पर्सनल है, बट डिवाइन ऑर्डर के किसी बंदे को आपको हर्ट नहीं करना, उनको हम देखेंगे। बाकी उनके साइड से जो भी आता है वो फ्री हैंड है, उसमें आप गाड़ी चुराते हुए उनको मारो, उनको पीटो, उनकी गाड़ियां ले आओ, वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमें गाड़ी चाहिए। कौन सी गाड़ी है? कोई भी गाड़ी आएगी, वो अभी लिस्ट आई नहीं है हमारे पास, वो लिस्ट ऑफकोर्स A+, S+ यही गाड़ियाँ होंगी। इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तुम्हें, इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास गाड़ियों की लिस्ट नहीं आई है, कार्स की लिस्ट आएगी तो पता लगेगा ये क्या है। ये बोल रहा था गैंग गैंग कौन सी पहले आने वाली है, उसके लिए रोल कर लेते हैं, 5 गैंग का एक पर्ची में नाम डालो, जिसका बारी बारी आता रहे। आई गेस वो लोग, तुम लोग आपस में भी तो डिसाइड कर ही सकते हो। तुम लोगों को कुछ आईडिया उधर की सिक्योरिटी कितनी हैंडल रहेगी, लाइक सिक्योरिटी उनके उसकी बहुत, मतलब उधर की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा होगी। तो तुम्हें सिक्योरिटी से भी लड़ना है और सामने से भी, सामने वाले से भी लड़ना है, तो बहुत अरे मैं बहुत लाइक 30 20 30, और एक दिन में शायद 5 गाड़ियां करनी होंगी, तो मतलब 5 लोग एक दिन में कर सकते हो। हम सफल भी कर सकते हैं अगर ज्यादा हो रहे हैं तो, कभी कोई नहीं कर रहा है या एक दूसरे के लिए अगर स्लॉट छोड़ रहा हो तो वो भी कर सकते हैं, तो देखते हैं। अभी मेरे को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और जो है क्लियर करनी है, अभी मैं दोबारा मीटिंग में जाऊंगा। एंड बाकी यही सीन है, प्रिपेयर हो जाओ, मैं तो बोलता हूँ ऑब्वियसली प्रिपेयर हो जाओ कि प्रॉब्लम ना हो बाद में। अच्छा 8:30 बजे से लेके 9 बजे तक आपके किसी एक बंदे को मैसेज फॉरवर्ड होगा हमारी तरफ से कल से। देखो ऑनेस्टली तो तुम लोग चला ही लोगे, ठीक है। और चारों ने क्या किया, ये मूली के पराठे मत खाया करो भाई। खाना पीना ज्यादा हो जाता है,
आराम से हो जाएगा वो एक्चुअली रो बसर नहीं रहा लाइक करो गाइस 1700 लोग देख रहे हो 900 लाइक है अब शर्म चलो गाइस तो अभी तक के लिए इंफॉर्मेशन है जितने इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको फॉरवर्ड करता हूं एंड डिसाइड कर लेते हैं हम अभी आज रात में कि भाई क्या सीन है कैसे करना है और ज्यादा क्लियर कर लेते हैं तो एक और मीटिंग सेट अप करेंगे रात में फिर जिसमें हम आपको लंच वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे चीज़ें अपनी तरफ से चीज़ें जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो कर देंगे एंड गुड है फिर तो भाई साहब एक छोटी चीज थी अभी हमारा चल रहा लेफ्ट ठीक है तो एक या दो दिन के अंदर हमारा जब भी नंबर लगाना दो दिन बाद कभी भी लगा देना पर मुझे भी इस वक्त जाना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी रेड लग रही है अपने बिना ओके जाओ जाओ ऑलरेडी छोड़ के आए वो मैटर जाओ 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 आपको दो दिन बाद करना बता दो सही सही तो ऑनेस्टली हम लोग बताएंगे ठीक है कौन कौन से दिन पे जाएगा नो कि कल कल कौन कौन अवेलेबल है आप लोगों के 10 बंदे बेसिकली एक दिन में 5 गाड़ियां अरे जरा हमारी मोंजोनी का कभी कभार पागल हो जाती है ऊपर रहते हैं ना अरे मेरे एक्चुअली एक बंगालन का प्रकोप है यार चंबा तो बता एक ऊपर वो है बंगाली लिसन भूत चढ़ा हुआ है अदर देन मैंडम कौन अवेलेबल है हमको कभी भी कॉल कर देना हम रोज ही हां हम लोग भी आ सो आई गेस ठीक है अब यू कैन सेंड हाइड्रा टुमारो आई देन हाइड्रा बी रेडी टुमारो बस कोशिश करना के सुनामी के फौरन बाद से ना सारे रहो क्योंकि 8:30 पे जैसे ही आएगा तो तुम्हें पता है फिर पुलिस क्या करती है क्या फटाफट गाड़ियां भगाना शुरू कर देती है जैसी गाड़ी आएगी एयरपोर्ट से शायद आएगी और पता नहीं कहीं से भी आ सकती है जैसी गाड़ी उनको मिलेगी और फिर वो शुरू हो जाएंगे भगाना सप्लाईज अभी रात को मिलेगी या कल मिलेगी सप्लाईज का ऑर्डर अपना अपना लगा दो अभी आई थिंक हम लोग अभी पैसे नहीं ले रहे तुम लोगों से तो जो तुम्हारा वो है हाँ मतलब तुम लोगों को बेसिकली वो करना पड़ेगा पार्ट तो तुम्हें ला के देने पड़ेंगे वो तो हम नहीं ला सकते अच्छा वी जस्ट टेल यू कि हमें क्या-क्या चाहिए एंड यू विल प्रोवाइड अस पार्ट्स हम पार्ट्स नहीं का एंड यू वोंट मतलब चार्ज हां हम चार्जेस जो लेते थे वो नहीं देंगे एंड कुछ चीजें हमारे साइड से भी देंगे तुम इज देयर अ लिमिट कितना ऑर्डर कितना लिमिट तो है ही नहीं प्लेस तो कर लो फिर देखिए लिमिट तो है ना लिमिट तो किया है वैसे भी लिमिट्स का तो बोल ही दिया ऑलरेडी हट गई है लिमिट तो हट ही गई ना ओके यस सी मैं तो बोल रहा हूँ पार्ट ले लो कि तुम्हें महंगे ना पड़े दिन तक तो वैसे भी चलना ही है तुम लोग के पास बना हम देंगे बनाने की टेंशन ले लो बनता रहेगा वो होता रहेगा हम बड़ा बड़ा देना तो आज भी दे दो कोई टेंशन कोई नहीं छोड़ दो है ही नहीं कुछ लोग कुछ बड़ा था कि नहीं कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है काम मार ठीक है चलो फिर ले बाबा ले मिलते हैं फिर रात में मैं एक बंदा बुलाऊंगा के बात करनी है हां अकेले में अरे हां मुझे भी एक चीज बोलना था कल का नहीं कर सकता यार मतलब कल नहीं हो बात नहीं दो तीन लोग नहीं आ पाएंगे हां तो फिर दूसरे लोगों को करवा देंगे ना और लोग भी तो थे हां डन सीन डन ठीक है ना वही सारा सीन है कि 5 प्रेजेंट ना हो तो हमारे पास ऑप्शंस हैं क्या हम एक दूसरे को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आगे कर सकते हैं अपने पास 7 लोग हो गए ना शायद 7 गैंग्स है ना अपने पास अदर देन 5 है जीएसएफ एंड बॉलर्स हां तो और कितने रह गए बीबीएमसी की और एलएसडी का डिसीजन बाकी बीबीएमसी और एलएसडी का डिसीजन बाकी है ना ओके उनसे भी पूछ लेंगे और बाकी तो हमारे साथ आसमान को आया था हां मैं एलएसडी के ब्याह पे हूं बट लाइक मैं लेट आया था मुझे लाइक आधी चीज पता नहीं एलएसडी के ब्याह पे हो आप ओके मैं बताता हूं तुम लोग बता माइकल कुड नॉट बी देयर तो इसलिए मैं आया हूं हां ठीक है बात करते हैं उसको
ठीक है बॉयज, अदर देन दैट अगर जिसको बात करना है वेट करो, तब तक वेट आप कर लीजिए, उस्मान से बात कर लेते हैं। बात हां ओके उस्मान आ जाओ, थैंक्स फॉर शोइंग अप गाइस। आ जा एलएसडी वाले के पास, तो एलएसडी वाले के पास चला जाओ, उस्मान को ले जाता हूं। तू बात कर, हां मैं एलएसडी से बात करता हूं। आ जा उस्मान, रुको टॉवल बैठ बैठ बैठ, जाओ 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 स्प्रे कंटेस्ट हो गया। थिंक डू योर थिंग व्हाटएवर, वी हैव सम वर्क दैट गोना बी, आई जस्ट वांट टू नो पहले कि तुम लोग किसके साइड हो, विल गिव द फर्दर इंफॉर्मेशन। ठीक है, लाइक कितना टाइम में बता सकता हूं मैं? एन आवर टू टेक। बहुत सुनिए माता हूं गैंग से, हरार के रखो ना ना, ऐसे चलता है हम लोग। जस्ट कांटेक्ट मी देयर, आई विल बिंग यू। गुची कूल, ओके ठीक है, ओके मैं एक बार बात करके एंड आई लेट यू नो। ऑलराइट ऑलराइट, हां डिसीजन हमें बता देना कि क्या है आपका भी। जस्ट एफआईआई साइट वागोस जीएसएफ एंड फॉर्म्स, जीएसएफ है बरस वागोस जी द साउथ साइड, ओके मे बेसिकली साउथ साइड आर विद देम। हां तकरीबन ऐसा चल रहा है कि साउथ साइड पूरा उनके साथ है अभी, वागोस जीएसएफ बालास ये लोग उनके साइड है, और अभी अपने साइड ये है सारा जिनसे सारा है थे अपने साइड है। राइट मैन, एवरीवन अदर देन देम इज ऑन योर साइड, यस। टेक योर टाइम, लेट मी नो, मैं एक बार बात करके सबसे नेट लेता हूं। नो प्रॉब्लम, ओके ओके राइट, थैंक यू। आ जाओ भाई बहन, आ जाओ भाई, स्प्रे कंटेस्ट हो गया उनका। ओके सेट है, अबे तुम कुछ बोला तो करा करो भाई। अरे गाइस प्रॉपर है यार, मैं खुद नर्वस हूं, वो तो ऊपर मुझे उल्टा इंफॉर्मेशन नहीं कि क्या कहते बोलना अभी, ये प्रॉपर नहीं है बोलो भाई, गैंड फाड़ दो ओडे वन ऑर्डर की। मैं काम भाई के पास जा रहा हूं, इसलिए भाई सर्वर प्रॉब्लम कर रहा है यार आज। ये कौन है तीसरा बंदा सैम में? तो यहां पे जो बंदे आए थे, ऐसा ना कि एंड में जाके डबल गेम खेल जाए मुझे, वो पता तो लग ही जाएगा। देखो मैं बताता हूँ कि किस किस का पता है, हाइड्रा मैंडम मैंडम और रस्ट, ये तीन तो नहीं पलटेंगे कभी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो मुंह पे जलील कर दिया एडवान ऑर्डर को। सेट है कल का गैंग चूज करना पड़ेगा, बाकी बेन कुछ सीन का सोचो, कोई ऐसा सीन सोचो कि हमको सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, समझ रहे हो? कुछ ऐसा सीन सोचो, मतलब कि कुछ ऐसा सीन नीचे है ना, नीचे ला, मतलब कुछ ऐसा सीन सोचो कि बाकी जो हमारे साइड है ना, हम उनकी बंद करके रख दें, और ऐसा बंद करके रख दें कि वो हिल ना पाए। ठीक है ओके, चले क्या? अरे मेरे को कंफ्यूजन है यार, मेरे को एक बार बता, पांच गैंग है, पांच गैंग डेली जाएंगे, पांच मिनट दे, हेलो हेलो सुन, मेरे को कंफ्यूजन है, क्लियर करेगा? हां हां बताओ। अब कल पांच गाड़ियां आ गई, ठीक है? हां तो मैं अपनी तरफ से पांच गैंग रेडी रखूं, क्यों पांचों अलग-अलग गाड़ियों पे जाएंगे? नहीं नहीं, अरे एक फिर पांच दिन में पांच गैंग जाएंगे, एक दिन में एक गैंग पांच गाड़ियां निकालेगा, ऐसा सीन है? हां
हाँ एक दिन में एक गैंग नहीं निकालेगा और पांच दिन है तो पांच गैंग जो है इकट्ठे कर लो, देखो 25 गाड़ियां निकालेंगे। हाँ क्योंकि देखो सर गैंग्स को नहीं बेच सकते एक साथ, पता चले वो तो बहुत ही बसड़ हो जाएगी। हाँ बसड़ हो जाएगी, वो नहीं चाहिए। तो एक गैंग भेजो, एक एक करके पांच गाड़ी आएंगी तो पांच गाड़ी एक साथ आ जाएंगी। और वही पांच गाड़ी होंगे जिसे डिवाइन ऑर्डर वाले भी जा रहे होंगे। अपना एक गैंग भेजेंगे, 20 लोग जाएंगे उधर पुलिस वालों को मारने के लिए, गाड़ी निकलवाने के लिए। आप पुलिस वालों को मारो, एक दूसरे को मारो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को चाहिए गाड़ी, गाड़ी चाहिए, गाड़ी लाके देगा, दैट मींस ही इज मोर कैपेबल। ठीक है, डन है ना? ओके ओके। क्योंकि जो बंदा है वो बहुत ऊपर वाला बंदा है, उसकी गाड़ियां फुल निकलवानी है। गाड़ियां जितनी ज्यादा गाड़ियां निकलेंगी उतना फायदा। नहीं हमारी तरफ से तो क्लियर हो गया, हमने तो पांच सेलेक्ट कर लिया अपने। बढ़िया, ठीक, ओके। चलो कल इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ मैं तुम्हें, भेज ठीक है 8:30 में। हाँ मेरे को भेज दे, मेरे को भेज दे, इसको भेज दे, इसको भी भेज, मेरे को भेज दे। ठीक है, हाँ मैं दोनों को ही भेज दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों को डाल। गैंग रिपीट कर सकते हैं, कर सकते हैं। पूछो ना, एक गैंग पूरे मेंबर नहीं है तो दो गैंग एक साथ कंपनी नहीं, अलग अलग गैंग अलग अलग कंपनी कर सकते हैं। बेसिकली गैंग के लिए हो रहा है कि पूरा ग्रुप एक साथ काम करे, वरना बहुत बहुत भसड़ हो जाएगी, अजीब सा सीन हो जाएगा पूरा। बीफ तो गैंग के बीच में होगा, लोग मसाला कैसे देखेंगे। मैं एक्सपेक्टेड करवाऊंगा और क्या बोलूंगा इसको, स्पेक्टेड वाला बंदा रख। अब भाई चार लिया है नहीं, अरे भाई जी क्या हो रहा है। अरे यार मुंबई क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, अरे इट्स गोस्ट टेल यू वांट टू गेट दिस। थोड़ा देर तक जाना है, आता तब तक कुछ चिल कर फिर इनका ऑर्डर देता है सारा। ठीक है मेरे को भी जाना है। तो भेजो, नहीं नहीं ऐसा नहीं जाना, तेरे को कहाँ छोड़ूंगा बता। मेरे को छोड़ दे, रूस्टर से छोड़, मैं उनको दे रहा हूँ। ठीक है, पांच पांच ग्रैपल्स भी दूंगा। ठीक है, बट ग्रैपल्स अभी नहीं, सुबह में दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैम ने हमें बोला था कुछ करते हैं, वो भी सीन चार्ट वो भी लाता है मार्केट में, इनको देंगे। हाँ हर एक दिन दे देंगे ना, एक दिन एक एक दे देंगे। और इन लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट टिल्लू दिमाग तो लगाना पड़ेगा, जाके मारा मारी नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग को लड़ना देना चाहिए। देख खैर समझाएंगे ना इनको, दिमाग तो है। I mean, Bala's reputation, other than that, I doubt, so, you know. Chal, theek hai. Theek hai, theek hai. Hello? Hello. Oh, bhai saab. Parad bhai, kya hal chal? Badhiya hai, aap bataiye sir, aapke kaise hal chal? Jabardast, jabardast. अरुण भाई आपको मैसेज आया था कुछ? हाँ जी हाँ जी, आपसे ना थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अगर आप खाली हो 10 मिनट के लिए, मैं अरे खाली करनी है हमको, खाली है ना, बस मुझे अपना अपना पिंग बताइए। मेरा पिंग लंबा रहा है 312 312 312। ओके मैं आपको पिंग भेज रहा हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा ना अकेले आइएगा, बिकॉज जो मेरी बोट है ना उसमें सिर्फ एक बंदे की जगह है, और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मेन लैंड पे बात नहीं कर सकते, इसलिए इधर से
अरे कोई नहीं, मैं अकेला ही आ रहा हूं, अकेला ही आ रहा हूं। परफेक्ट है, परफेक्ट। आप मिलिए, मैं इसी, जब आप उधर पहुंचोगे ना तो एक लंबी सी रोड गई है पूरे पोर्ट पे, उसके किनारे में बोट लगा के खड़ा हूं, आपको अपने आप दिख जाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अरे यार, जनरेटर बंद हो गया, यूपीएस चलाना पड़ेगा। इसमें बारिश हो रही है, निकाल दिया है, कर दो चराक्टर, घुमा दो। तो मोड़ी नहीं रही, सामान तो रखो, सामान में है क्या जो रखो? अब हाँ, क्लोथ्स, अरे क्या हो गया, सेलेक्टर नहीं घूम रहा क्या? क्या हुआ? मिनिमम 13 कार चाहिए। क्या हो रहा है? I gotta go and check it, boy. तूने जाने कितनों की लव स्टोरी, इस मेरे पास कैमरा है, मेरे पास कोकेन है, चल मेरे पास स्मोक्स और केटल फिर गलती से स्मोक्स भी आ गया इसके पास, स्मोक भी अनलॉक कर सी वाले के।
घूम रही है ना, ब्रेक लगा रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ? बस बढ़िया है, आप कैसे? वैसे भाई साहब, मैंने ना दरअसल आपके बारे में काफी सुन, बैम भाई आपकी काफी तारीफ कर रहे थे, और सो वैसे मैं पहले बता दूं, सो जैसे कि आप अब मुझे इतना आइडिया नहीं है कि आप मुझे इतने अच्छे से जानते हो या नहीं, बट आई यूज्ड टू रन टीएलएमसी बैक इन द डेज। अच्छा, हम शायद मिले हैं एक बार शायद। अब देखिए, मुझे नहीं पता दरअसल कि हम मिले हैं नहीं, या शायद हाँ, हो सकता है, हो सकता है, बट बाम टोल्ड मी दैट यू आर मिस्टर डिवाइन ऑर्डर या हाई टेबल। आप दोनों में से क्या संभालते हो सर? अरे मैं हाई टेबल। आप हाई टेबल संभालते हो, राइट? एंड देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अंडर टैलॉन, राइट? बिल्कुल, एक दूसरा भी है ना, दो की है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? डिवाइन ऑर्डर। तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि ये जो आपके दोनों के बीच में क्या कहते हैं, जो ये मसला चल रहा है ना, ये चल किस वजह से रहा है? किस वजह से? जो ये आप लोग का हाई टेबल और डिवाइन ऑर्डर का जो मसला चल रहा है ना, ये किस वजह से चल रहा है? यार पता नहीं किस वजह से चल रहा है। अच्छा जी, हाँ, आपसी बीफ चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपसी बीफ चल रहा है। ओके, सो मिस्टर जोकर, मैं आपसे ना दो तीन तरीके की हेल्प लेना चाहता था, है ना? क्या? तो जैसे बैम और मैं जो है ना, एक उसमें वर्क कर रहे हैं, क्या कहते हैं आपको, एक देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि कायोपरिको से गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करती है टू दिस सिटी एंड देन टू आउटसाइड। अच्छा ना, तो बैम ने बताया कि यू आर द पर्सन हुम टू कॉन्टैक्ट फॉर द गन्स। तो जैसे कि प्रॉब्लम ये है ना सर, मैं बताता हूँ कि देयर इज समबडी हु इज ट्राइंग टू इम्पर्सनेट मी। अच्छा, there is somebody who's trying to impersonate me and log sea side hai jahan tak mujhe lagta hai ki wo log ek tarike se pirate banke meri identity chura ke jo mera maal export ho raha hai wahan se yahan pe wo yahan pe export kar rahe hain aur wo beech mein raada create kar rahe hain us cheez ke liye, aap samajh? Acha, sahi, to kya karna hai usme? Keh raha hu ki ab तो मुझे आपसे हेल्प ये चाहिए कि देखिए, मेरे पास कैनन सैंपल अमाउंट में है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे कैनन सैंपल अमाउंट में है। अच्छा, आई नीड समथिंग लॉन्ग रेंज बिकॉज़ कैनन का जो रेंज है दैट इज वेरी शॉर्ट। आई कैन नॉट शूट अ मूविंग बोट टारगेट, जो कि एक छोटा बोट जाता है, हम उसे क्या कहते हैं टारगेट नहीं कर पाते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मिस्टर जोकर, कैन यू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ हेल्प, और उस बदले में हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कर पाए तो दैट एक तरीके से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है। अच्छा, तो एक बार बताओ, आपको जब बाम ने बताया मेरे बारे में, तो बाम कौन है आपसे मीटिंग कराने मेरी और आपकी? उन्होंने ही आपका नंबर दिया, उन्होंने बोला कि ये मिस्टर जोकर है, आप इनसे कॉन्टेक्ट करो। अच्छा, तो देखिए, आपको हमें हमारी तरफ से बंदूकें चाहिए जो लॉन्ग रेंज चले, बिल्कुल हो सकता है सब। कोई भी आपके हिसाब से लॉन्ग रेंज के लिए बेस्ट वेपन क्या रहेगा? देखो, हमारे पास एक चीज ऐसी भी है कि आप जैसे ही मारोगे उसको, आप उसके पास ही पहुंच जाओगे, उसी जगह पे पहुंच जाओगे, करीब से भी मार दो चक्कू निकाल के। हमारे पास ग्रैपल गन है, हमारे पास डीगल है, डेजर्ट डीगल है। जोगर जी, जोगर जी, सीन ऐसा है ना, दैट इज समथिंग That is something that I need because क्या होता है ना, we have a, जैसे ये जो बोट में हम अभी ना, ये तो छोटी बोट है, these are the kind of boats जो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे,
जो कि वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, और जो हम यूज करते हैं वो है टग बोट्स। आप टग बोट जानते हो, आपने कभी टग बोट देखा? हां टग बोट देखी है, एक बड़ा शिप रहता है। यस सो हम वो यूज करते हैं। तो हमारा ना जो मोबिलिटी रहता है ना उसमें बहुत इशू रहता है। तो अगर आप ऐसा कुछ दे सकते हो, हमें प्रोवाइड कर सकते हो, विल बी विलिंग टू बाइट फ्रॉम यू गाइस। एंड आप बदले में हमसे जो चाहो आप अभी कुछ डिमांड रख सकते हो, बिकॉज मैं आपको बता देखें आप ये चलता है, देखिए बिजनेस चलता है टू साइड से, समझ रहे हो? आप हमें क्या प्रोवाइड करोगे और हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे। मैं अब देखिए मैं अपना पूरे पहले अब आपको जैसे मेरे को जो बताया गया है ना फ्रॉम द टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम मिस्टर बैम एंड एवरीवन कि यू आर द पर्सन हु इज डूइंग मोस्ट अमाउंट ऑफ बिजनेस बोलूंगा मैं उसे इन दिस सिटी है ना। तो हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं दैट इज नॉट क्लोज टू यू, बट जो अभी एक नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ पॉपी कोकेन मैरिवाना ARs आई मीन AK-47 फ्रॉम कायोपरिको टू पलीटो आइलैंड। पलीटो में जो आप टॉप पे तीन आइलैंड्स देख सकते हो, अगर आप कभी अपना मैप खोलोगे तो पलीटो के टॉप कॉर्नर पे तीन आइलैंड्स हैं, वहां से वो सामान बाहर जाता है। अच्छा बट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना वो इसमें बीच में वो करती है इंटरसेप्ट करती है एंड वी रॉब देम, जो कि जो यहाँ से माल वहाँ जा रहा है वी रॉब इट। हमारे पास बहुत तरीके का सामान आता है, कभी हमारे पास वीड आता है, कभी हमारे पास कॉपी आती है, कभी हमारे पास कोकेन आता है, और कभी हमारे पास AK-47 एंड एवरीथिंग भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखो मैं आपको और वी आदि हमारा काम है बंदूकों का, नशे में काम नहीं करते हम। अच्छा तो आप नशे से बिल्कुल दूर है राइट? नशे से अभी फिलहाल हम बिल्कुल दूर है क्योंकि हमारा एक उसूल है कि एक बिजनेस में घुस जाओ और इतना घुस जाओ कि तुम्हारी पहचान बन जाओ उसमें। हेलो अबे क्या चला गया, क्या नेट चला गया या सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गया, मैं क्या हो गया? एक ढंग की हार भी होती है, उंगलियां पहले हो जाती है उसमें। गाइस सुनो थोड़ा दिमाग यूज करो, टिल्लू के बारे में किसी को भी नहीं पता कि टिल्लू जोकर है। सनी सनी मार लेगा, सनी मार लेगा और इस्माइल भाई के अलावा किस और बाम के अलावा किसी को नहीं पता। सही है, तो कोई इतनी आसानी से मेरे ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि मैंने कोई भंडी नहीं मारा अभी तक। हेलो हेलो आवाज आ रही है, हेलो मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो 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 आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो पाक क्या हो रहा है? हेलो हेलो आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ मेरी, हाँ मुझे तो आ रही है, आपकी आपको मेरी आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी, चलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो जोकर जी हाँ तो मैं यही बोल रहा था कि जैसे आपने बोला कि आप क्या कहते हैं ड्रग, यही बात कर लेते हैं, पता है पानी में नहीं जाते फिर बकचोदी होगी तो सिस्टम खराब। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आप आपने बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ आर्म्स एंड एमुनेशन में डील करते हैं, बिल्कुल, तो ये मेक श्योर करो कि जो मेरा ऑफर आप कि कैसा है
कि जितना भी आर्म्स एंड एम्युनिशन का कंसाइनमेंट उस क्या कहते हैं उस आइलैंड से हमारे हमारे सिटी में आएगा, बिल्कुल हमारे बंदे उसका 10% हम उसका उसे रॉब करेंगे, और जैसे मान लेते हैं अगर 100 AKs आ रही हैं या फिर 100 कुछ भी चीजें आ रही हैं, हम उसका 10% आपको पूरा पकड़ा के जाएंगे। जैसे कि अगर 100 AKs आती हैं, बिकॉज ये बड़े क्वांटिटी में डील करते हैं, इसलिए मैं आपको 100 का एग्जांपल। अच्छा, तो मैं 10 वो आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है, और आप इस पे पूरी नजर रख सकते हो, और आप चाहो तो अपना एक जान पहचान वाला बंदा जो आप पे जिस पे आप ट्रस्ट करते हो आप मेरे साथ मेरी बोट पे भेज सकते हो उसे, सो दैट ही इज कीपिंग अकाउंट कि कितना माल आ जा रहा है ऑन एवरीडे बेसिस। अच्छा देखिए, मुझे मुझे तो मेरी सोच ये थी तसल्ली से समझाइए कि आप गन के बदले में जितना माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका वो देंगे हमको, परसेंटेज देंगे, ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं ना आप, हम आपको गन प्रोवाइड करें। हाँ, और वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगेंगी, मैं आपको बताता हूँ, वी आर 4 पीपल, हम ज्यादा लोग काम नहीं करते, दैट विल बी मैक्सिमम मैक्सिमम अगर हमें कुछ चाहिए होगा, हमारे महीने भर में 2 कंसाइनमेंट आते हैं, हमें एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 1 ऑफर चाहिए होगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। समझ गया, तो 1 महीने में 4-5 चाहिए होंगे। हाँ जी यार, कुछ ऐसे डील नहीं बना सकते कि हम आपसे जो है AK और कैनन वगैरह ले लें? देखिए, अगर हम खरीदना चाहें आपसे AK या कैनन तो कितने की आएगी? हाँ जी, आपको एक बात, वी डोंट सेल एनीथिंग, मैं आपको सच सच बात बताऊंगा, हमारा जो वी जस्ट डू इट केवल अपने तरीके से, कह सकते हो आप सपोर्ट के लिए करते हैं, और हम हमारे कुछ कुछ फैमिलीज हैं, कुछ हमारे जान पहचान के लोग, उन्हें वो माल सप्लाई करने के लिए करते हैं, आप समझ गए? समझ गया। एक मिनट, ऊपर की ऑर्गेनाइजेशन का फोन, एक मिनट दीजिए। हाँ, कॉल आंसर। ओके, डन है, डन है, डन। हाँ, मैं जो आपने पहली पार्टी बताई थी ना, मैं उनके यहीं पे अभी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे वो स्टार्टिंग थोड़ा सा कोई बात नहीं। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है आपको, मेरी आ रही है? राइट, बिल्कुल। तो आप ये चाह रहे हैं कि हम आपसे बिजनेस डील करें इस चीज पे? अब देखिए, अभी मुझे ऊपर से कॉल आया था, है ना, देयर इज एन एक चेंज इन द ऑफर जो कि मैं प्रोवाइड कर सकता हूं इस टाइम पे आपको। अभी आप कुछ रिसेंटली, अभी कुछ आई वाज देयर इन द मीटिंग, जो आप मीटिंग अटेंड करने आए थे, आई वाज देयर, एंड ऑर्गेनाइजेशन से ये सारा काम आता है, आई एम एसोसिएटेड विद देम ओनली, ये उनका ही एक सब बिजनेस है जो मैं कायोपरी को मैं हैंडल कर रहा हूँ। आप लोग वो सारी चीजें इस सिटी में हैंडल करते हो, सिमिलर चीजें मैं कायोपरी को मैं हैंडल करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि मुझे अभी फोन आया था, एवरीडे ये जो आपका अभी चल रहा है, द थिंग्स दैट यू हैव गॉटन टुडे, है ना, जो आपको एक मैं क्या बोल सकता हूँ, एक आपको काम दिया गया है जो आपको करना है टू मेक योर स्ट्रीट रेपुटेशन, जो कि आपकी ऑलरेडी है, जहाँ तक मैंने मैंडम रस्ट एंड एवरीबडी से जहाँ तक मेरी बातचीत हुई है, जिसके हिसाब से मुझे पता चला है, यू हैव योर स्ट्रीट क्रेड, यू हैव योर रेपुटेशन। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हम भाइयों की तरह काम करते हैं, हम ये नहीं करते ओ भाई मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, ये वाला सीन नहीं चलता बिजनेस में, बराबरी का होना चाहिए धंधा। मैं आपसे बिल्कुल फ्रैंक रहूंगा इस बारे में, मुझे बोला गया था दोनों पार्टी से कॉन्टैक्ट करने के लिए, जो कि आपने अभी बात सुनी, और आई अप्रोच्ड यू फर्स्ट, उसका एक रीजन है ना, उसका एक मकसद था कि मैं आपसे सबसे पहले आके मिला, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव यू द डील फर्स्ट, बिकॉज अगर आप डील क्लोज करते हो तो देन देर इज नो नीड फॉर मी टू वॉन्डर अराउंड, मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, इससे अच्छा उसे अप्रोच करते हैं जो पहले से सिटी में इस चीज़ों में काम कर रहा है,
टैलेंट से सबसे पहले आप जुड़े थे, am I right? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए उन्होंने मेरे को सबसे पहले आपके तरफ भेजा है कि जितने दिन आपका ये काम चल रहा है, हर दिन उस काम में अगर आपको जरूरत पड़ती है, जहां तक पड़ सकती है, हम आपको एक कैनन और 20 बॉल हर दिन दे सकते हैं, जब तक आप ये काम कर रहे हो, जब तक आपका ये काम हो रहा है। और मैं बदले में कुछ नहीं मांग रहा आपसे अभी फिलहाल। मेरा कुछ कंसाइनमेंट आने वाला है वहां से, बहुत बड़ा, और मैं बदले में आपसे हेल्प मांगूंगा आर्म्स एंड एमुनेशन में भी, और साथ ही साथ बंदे प्रोवाइड करने में भी, बिकॉज हम चार बंदे, हम तीन बंदे मिलके ये काम नहीं कर सकते। आप मेरी एज देख रहे हो इस टाइम पे, अगर मैं जोर से कूद जाता हूँ तो मेरी लाइफ चार दिन कम हो जाती है इस टाइम पे, बताए। तो मैं चाहता हूँ कि आप जैसे यंग ब्लड्स या फिर आप जिनको, जिनके साथ काम करते हो, वो बंदे इस वॉर ऑफ द सीज में मेरी हेल्प करें। बिल्कुल, देखिए हमारी स्पेशलिटी यही है, सामान इधर से उधर लाना, और सामान गवर्नमेंट के मुंह से कैसे ले आते हैं हमारे बंदे ऐसे, तो उस पर तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। बस इसीलिए मैं आपके पास आया था कि अगर इफ यू आर इन, तो आपके ये जो टास्क है इसमें काफी हेल्प हो जाएगी इस कैनन से। और मैं दो तीन चीजें आपको, अगर अगर आप इंटरेस्टेड हो, और जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीजों के पास, उन चीज़ों की, वो चीज़ सुनने के बाद आपको काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा इस चीज़ में। जैसे अभी जितना आप दूर खड़े हो, अगर मैं इतने दूर से आप पे कैनन मारता हूँ, ना आपकी लाश मिलेगी ना मेरी लाश मिलेगी। अच्छा, और अगर आप मेरे से 20 मीटर दूर भी खड़े होते हो, और अगर मेरा निशाना सटीक है, और अगर मैंने बॉल रोल करते हुए ढंग से तरीके से आपकी मारी है, तो 100 ट्रक्स भी जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, इट इज अ पावरफुल वेपन एंड इट इज सपोज्ड टू बी यूज्ड बाय पावरफुल पीपल। मैं बस ये चाहूंगा कि अगर मैं वो चीजें आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि आई यूज इट ऑन माई शिप्स, और अगर मैं वो आपको देता हूँ, तो अब इस सिटी के पावरफुल लोगों को ही वो चीजें दें आगे, अगर आप वो चीजें खुद नहीं करने वाले हैं जो सही यूज करना चाहते हैं, जानते हैं, बिकॉज उसका मिस यूज बहुत हो सकता है। ठीक है, तरीके के लोगों के हाथ में दे जाए जी, और मेक श्योर करिएगा कि आप उनसे वापस लेके अपने पास रखें वो चीज। बिल्कुल, आप रखोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो कैनन के गोले आप रखोगे, कैनन्स आप रखोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यूज कोई भी करे, द पोजीशन काम पूरा होने के बाद वापस आ जाना चाहिए सामान। जी, जी। समझ गया। आप वो पार्टी नहीं होना जो सड़क पर जाके पुलिस को मारोगे चलते हुए, राइट? बट है ऐसी पार्टियां शहर में, हम जी हाँ जी, है शहर में ऐसी पार्टियां जो ये सब चीजें करती हैं। तो जोकर सर, मैं तो फिर आपके और हमारे एक उधार ही रही है ना जी। हाँ, एक तरीके से, एक तरीके से डेप्थ का रिलेशनशिप है ये। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप डेप्थ में हो, फिर मैं डेप्थ में रहूंगा, सेम चीज। आप मेरी हेल्प करो, इन फ्यूचर में भी कभी मुझे आपकी हेल्प पड़े। अच्छा, एक सैंपल मिल सकता है, और वो चलता कितना टाइम है, खराब कितने टाइम में होता है, और सर, कितने sample, बॉल मार सकते हैं? बिकॉज़ बहुत पुराना माल रहता है, काफी रस्टिंग रस्टेड रहता है, वो 12 से 14 घंटे चलता है। अच्छा, तो जब आप किसी को देते हो, इसीलिए मैंने आपको बोला मैं एक दिन में एक आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा, बिकॉज जब वो आपको देते हो तब द टाइम इज टिकिंग एंड द पावरफुल पार्टी दैट यू आर गिविंग द थिंग, जिसका आप पोजीशन उस चीज को दे रहे हो, दैट दे हैव टू यूज इट वेरी केयरफुली, और बहुत ही बड़ा हाईलाइट कितना टाइम का चाहिए, 8 मिनट का, बिकॉज़ एक बार आपने वो चीज अपने हाथ में रख ली देन द टाइम इज टेकिंग, अब समझ लो रस्टिंग की वजह से एंड एवरीथिंग की वजह से। हां, वो पुरानी भी तो बहुत होती हैं। हां जी, तो वो हैं, वो चीजें यूज होती हैं समुंदर में, बट अगर आप यहां यूज करना चाहते हो तो थोड़े से लिमिटेशंस तो उसकी रहती हैं सर। बिल्कुल है ना, तो और जो बॉल्स का सीन है वो इतना इशू नहीं है, बॉल्स का प्रॉब्लम नहीं होता है, कैनन बॉल्स कैन लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज कोटिंग वगैरह होती है उन पर, बट वही कैनन्स का इशू होता है। सो बॉल्स आप ट्राई करिएगा कि आप मिनिमम यूज़ करें, ताकि आपको फ्यूचर के लिए भी मिले, वो चीज़ बची रहे आपके पास, बट कैनन्स में आपको हर दिन में एक प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, बॉल्स जो हैं वो गिनती की होंगी, बॉल्स में आपको मैं दरअसल उसका प्रॉब्लम क्या है ना, उसका स्टॉक भी हमारे पास खत्म है। मुझे जैसे ही कोई बंदा मिलता है जो वो बंदा को अपने हाथों से बनाता हो, तो That will be great, but अभी फिलहाल के लिए हम लूटते हैं दूसरे पोस्ट से। ठीक है, समझ गया। है ना?
तो उसका कम रहेगा, बट हाँ एम्पल रहेगा कि आपको 150 पुलिस वाले अगर मारने हैं तो उतने के लिए एम्पल रहेगा। समझ रहा हूँ, तो समझ गया मैं आपकी बात। तो अगर हम, अगर मुझे अभी एक सैंपल चाहिए हो चेक करने के लिए या कुछ करने के लिए, या कल ही डायरा कम मंगवाएं, क्योंकि कल से तो हमारा काम शुरू हो रहा है, क्योंकि जो और आपको काम दे रही है उन्होंने हमको भी काम दिया है कल से, आप तो थे ही मीटिंग में, तो कल से काम शुरू हो रहा है, तो हम उनको जो प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो मैं आपको कल दे रहा हूं वो टेस्टिंग पर्पस के लिए ही है। आप करो टेस्ट, मैं आपके बदले में पैसे तो मांग नहीं रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, टेस्ट है ना, जहां पे कर सकते हो, जिसके ऊपर कर सकते हो, 12 घंटे हैं आपके पास, 12 घंटे में आप आधा शहर खाली। नहीं, मैं चाह रहा हूं कि वो आपके काम में यूज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। सर मेरे पास, दरअसल मैं आपको बताता हूं, मेरी जो टग बोट है ना अभी, उस पे इस टाइम पे 12 कैनन्स लगी हुई। अच्छा, हां जी, तो मेरे पास कैनन्स की कमी नहीं है, मेरे पास गोलों की कमी है। समझ रहा हूं, है ना, तो आप उसका, उस कैनन्स के लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन लीजिए कि आप बॉल्स कितनी कम लो, लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करो। समझ गए, ठीक है, पर मैं आपसे कांटेक्ट करता हूं कल। हां जी, आप सुनामी के बाद शायद बात करिए, ठीक है, आप मुझे अपडेट दीजिए, उसके बाद हम डील तो पक्की है, जबान तो जबान हो गए, खत्म है, बस जबान दे दी, बस यही उम्मीद कर रहा था आपसे। दरअसल क्या था कि यू हैव टू कांटेक्ट ऑल द पार्टीज, हमें थोड़ा सा बहुत चीजें कन्वे भी करनी होती है ना सर, समझ रहे हो आप। हां समझ गया, कोई टेंशन नहीं है, जबान दे दीजिए, हो गया, समझ लो आपका काम हो गया, जिस दिन करवाना हो बता देना। और अगर कैनन और उसके अलावा भी कोई चीज हो आपके पास तो हमें बताइएगा। आज और चीजें तो देखिए, मैं पूरा मेरे पास घूमने फिरने हम खरीद लेंगे, बाल करने के लिए आपको कायोफ्री। अरे यार समुंदर में आवाज सही नहीं आ रही है। हाँ है ना, यहाँ का दिक्कत है, तो लगाता हूँ पहले। अभी थोड़ा बेटर है क्या? अब बैठा रहा तो नहीं, अब दोबारा से हो गया शुरू। आई आई, जैसे ही आप बैटर बोलने के बाद बोला, बब्बू बब्बू हो गया। एसके है ये, नहीं एसके नहीं है। हाँ जी, अभी भी आ रही है, अभी भी इशू हो रहा है? आप ठीक है, आप ठीक है। हाँ, और वैसे जो कि आपने समुंदर में जाने के लिए अच्छे कपड़े यूज किए, वरना खराब हो जाते हैं ऐसा सूट वूट। अरे रहना पड़ता है लोगों के सामने, ऐसे समझ रहे हो कि लोग शक ना करें आप पे। नहीं नहीं जरूरी है, वहां पर तो चलिए वैसे लोग आते हैं कि जिनको आपका पब्लिक में वो इमेज नहीं जानी चाहिए। सही, देखो हर इंसान के दो रूप होते हैं, एक फैमिली के लिए और एक बाहर के लिए। नहीं नहीं जरूरी है, बहुत जरूरी है, वो चीज मैं भी करता हूँ, वैसे दिखाने के लिए मैं वेस्ट वगैरह पहन के घूमता हूँ। मेरा टाइम वही तो बहुत जरूरी चीज है ये। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो यार, क्या इशू है वॉइस का? अभी तक तो सही चल रही थी, मतलब कर रही थी थोड़ी देर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी?
हेलो आई 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 नेट तो सही चल रहा है यार, मेरे पास से तो सही चल रहा है। हेलो भाई, ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। अरे अरे सी 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 हाँ तो आगाज खत्म करते हैं, छोड़िए अभी आज हाँ ज्यादा बात नहीं हो पाएगी, किसी और दिन जब बैठेंगे हाँ तो आगे की बात करेंगे, ठीक है सर? बा बिल्कुल ठीक है। तो कल मैं आपको मैसेज करता हूँ सुनामी के बाद, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ, है? आप मुझे मैसेज ओके कर देना जब भी आप खाली रहोगे, मैं आ जाऊँ। बस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके जी, मिलते हैं, मिलते हैं जोकर साहब। ओके मिलते हैं जी। तेनु सामने बिठाना, तेने मेरो वाना, तेनु सामने बिठाना। अरे पैसा दे रहा था यार कोई, सर्वर इशू। हाँ सर्वर साइड से थोड़ा बहुत मेरा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है शायद सर्वर साइड से, तो कर लेते हैं डिटेल ट्राई कर लेंगे। नेट तो सही चल रहा है मेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर न लगे तो क्या करना है अभी। बीबीएम से डिवाइडेड है जगह बुलेट ऑफ मैंडम। अरे चले जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है, अब जाने वाला है, नेट पहले ही बोल देता हूँ। ना ना ना, गिव मी लो 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 लो, डिवाइन ऑर्डर इज गिविंग एक्सप्लोजन्स, तो हम भी तो कैनन दे रहे हैं। सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। वी आर प्रोवाइडिंग कैनन एज वेल। पर पीछे क्या होना है जैसे, एक क्वेश्चन है आरपी का पूछ लो, मन है मन में है, हाँ मन कर रहा है पूछो। अच्छा हुआ चून लफड़ा गया हमसे डील करने ना। नॉस्टैल्जिक आरपी का, अभी आरडीआर आरपी बंद कर दिया भाई, अब मैं खुद ही नहीं खेल पा रहा यार आरडीआर आरपी, तो और लोग क्या खेलेंगे। मेरे पास 9 पिक्सल में इतने सारे आरपी करने के लिए, अभी जीटी आरपी, एक नई आरपी स्टार्ट करने का, मतलब करेंगे बाद में, अभी नहीं है। लेकिन कैन यू गिव शाउट आउट टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ शाउट आउट दोस्त वैन नेकल है क्या? नहीं लास्ट कॉल कर रहा हूँ, वो इंडिया का नंबर है। नहीं इतना हरामी है बे, नहीं 94 प्लस 91 नहीं है इंडिया का नंबर। आप लोइस और अनवी से इतना टाइम हो गया बात क्यों नहीं करो? क्योंकि अकॉर्डिंगली आरपी नहीं आई ना उसका, ट्वेंट वो खुद बुलाते हैं अभी।
प्लस 91 का है। हाँ लेकिन कोड ने लगाया 10 digit है, पर कितना हराम ही है भाई। ये इंडिया नंबर है, पता नहीं है इंडिया नंबर, अब तो हो गया भाई। अब तो दिख गया भाई, अब क्या कर सकते हैं, अब हरामी लौंडे मिलाएंगे नंबर। भाई मैंने तो कुछ नहीं किया भाई, जिसने किया उसको दे। I didn't do. किसी का रिविलिंग भी एरिया हो गया। किसी ने नंबर लीक किया अपना। नोबी क्या हाल है? अब एक और आ रहा, टेलीफोन डायरी चेक करता हूँ, रुको। और बड़ा पुलिस में कोई एक रख लो अपना, नहीं रख सकते यार, कैसे रखेंगे पुलिस में, ये यार क्रिमिनल कर सकते हैं। वैसे वेब ऑफ किधर है? हेलो वैभव जी, क्या हाल है? बढ़िया। मेरी बात गौर से सुनो जी, सुनो। कितना कमा लेते हो? 4 डबल। अगर मैं बोलूं कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे कितना, हमारे लाइफ सेट हो जाएगी? बिल्कुल मैं बिल्कुल लेना चाहूंगा, लेकिन हम तुम पर ट्रस्ट कैसे करें ये बताओ। हरामी तो तुम हो, पुलिस वाला भी ऊपर से। देखो मैं ट्रस्टेड आदमी तो हूँ, बट पैसा चाहिए। अबे तो प्रूफ तो कहा ना, कैसे ट्रस्ट करें तेरे पे? ट्रस्ट कैसे करें? बट आप मुझे पैसा देंगे क्यों? पैसा तो हर बंदे को चाहिए। आप क्यों देंगे? देखो ट्रस्ट करने की बात कह रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके चक्कर में हम तुम्हें पैसा देंगे। तुम्हारे साथ एक और बंदा घूमता है, टॉमी दल्ला। दल्ला दल्ला कहते हैं लोग उसे। तो वो कैसा है, चरापटा हो सकता है वो थोड़ा सा? तो है मुझे वो। एक काम करो, मुझे ना है अभी टॉमी दल्ला। टॉम एक सेकंड देख रहा हूँ, है बट वो आई थिंक बिजी है रेड मारने में स्वाट। वैभव एक बात बताओ। हाँ मुझे तुम और तुम्हारे साथ एक बंदा चाहिए। ठीक है, और वो काम जो होगा
पुलिस वाले ही कर सकते हैं। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, तुम ऐसा क्या कर सकते हो मैं ले दो, मैं तुम पर ट्रस्ट करूं? आप देखो, आप कुछ काम दे के देख लो, मैंने कर दिया तो लाइक आप ट्रस्ट कर पाएंगे मेरे पे? करता हूँ मैं, बात करता हूँ। हाँ थोड़ी देर में। आपका शुभ नाम? शुभ चिंतक बोल लो मुझे अपने। शुभ चिंतक, ठीक है ठीक है। आपको वैसे मेरा नंबर कहाँ से मिला? माना नाम पता है तो नंबर नहीं मिल सकता क्या साले? बड़ी लंबी पहुंच लग रही थी आपकी। ऐसा सोच लो ना, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी उससे, ऐसा काम है। मैं तो चाहता ही हूँ कि दो पैसे आए, लेकिन अगर पकड़े गए तो तुम्हें सजा मौत भी हो सकती है अगर पीडी ने पकड़ लिया तो। है पीडी मारते क्यों मुझे? तुम पीडी को धोखा दोगे ना? मतलब नौकरी जा सकती है? नौकरी तो जाएगी जाएगी, जान भी जान भी। देख लो, देखो पैसों के लिए मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। और नौकरी? नौकरी देखो, कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी तो मुझे पीडी से चाहिए होंगी तुम्हारे थ्रू, और तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। तुम्हें दल्ले के साथ हो या किसी और के साथ हो, वो तुम आपस में बनाओ, तुम्हारी आपस में बॉन्डिंग कैसी है, ठीक है? सही सही, ठीक है। मैं उनसे बात करता हूँ, और बट मैं तुमको कांटेक्ट कैसे करूँगा? बात करना मैं करूँगा तुम्हें दोबारा, जैसे मैंने अभी किया। ठीक है ठीक है, आपस में साइड कर लो, फिर हम एक मीटिंग पॉइंट पर जाएंगे, फिर हम वहाँ पर बात करेंगे। ठीक है ठीक है, सही है, चलो। हाँ ठीक है, मैं उनसे बात करके रखता हूँ, फिर आप मुझे कल कॉल करना। कल तो बहुत लेट हो जाएगा। कल लेट हो जाएगा तो मतलब आज ही? हाँ आज ही बात करो, फिर तुम क्या कब तक होगे? मैं तो हूँ दो तीन घंटे तक बस। ठीक है, आज ही बात करके निपटाऊँ मैं तो, मैं एक डेढ़ घंटे में करता हूँ। एक डेढ़ घंटे में? ठीक है डन। ओके डन, चलो सही। तो चलो मैं रुवाना तेनो सामने बैठाना। तो बेसिकली मेरा प्लान जो है वो ये है कि वैभव फॉर टाउन, ये दोनों इंटरनल इन्फॉर्मर होंगे हमारे, और हमारे जो गैंग्स होंगे उनको ये इन्फॉर्मेशन देंगे, गाड़ी कहाँ जा रही है, किधर पहुँची, कैसे निकाल लें पीडी वाले, किस तरीके से निकाल लें। मत बोलो क्या तुमको समझ नहीं आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। चिंगारी के साथ देखो इतना सीन नहीं हुआ है, वैभव के साथ हुआ है। वैभव इज अ हेल्पिंग हैंड टू क्रिमिनल्स थोड़ा बहुत, तो उसके साथ आरपी हो चुकी है इस टाइप की हमारी। वैभव का ट्रस्ट है बट टॉमी भाई, वैभव गारंटी लेगा ना टॉमी की, फिर तो लगता तो है वो करप्ट। याद करो वो पुल के ऊपर जा रहा था, बात भी नहीं हुई थी। यस यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, देखो पुलिस वाला तो डबल गेम तो पक्का होगा।
मैं इससे जोकर बन के थोड़ी ना मिलूंगा, जोकर बन के मिलूंगा। अगर मैं जोकर बन के मिल रहा होता तो मैं इससे जोकर वाले फोन से कॉल नहीं करता, इसको बिना अननोन नंबर से क्यों कॉल किया। तो है ना मेरे पास, मैं घर जाता रूस्टर जाता मोबाइल उठाता, भाई वैभव आ जाओ मिलने। नहीं जल्दी थोड़ी ना बताएंगे पुलिस को कि जोकर है, जोकर कौन है। क्या लगता है भाइयों, नेक्स्ट पनिशमेंट इस टाइम सिर्फ एडन पर होगी या टॉम गल्ले को भी आना होगा भाई ट्राई के लिए। How is Swan? दोबारा करना हो रिमोट जमा वाला क्लिक करना है, अभी पीछे से क्लिक कर देना। वैभव के साथ तो पहले भी आरबी हो रखे है, वैभव के साथ एक और बंदा अंदर का चाहिए। इफ वैभव इज नॉट अवेलेबल देन हम अपने काम करें उस। बट हेलो भाई, मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, रुक जा, नैप लेकर आना पड़ेगा। मोनिका तुम बस और कैसे हो मोनिका, इतने दिनों बाद क्या चल। हेलो लीना। अरे बस बढ़िया चल रहा है। मैं और बंटी आज पता क्या क्या कर वो क्या पता, तुम्हारे घर की चीजें तुम अपने घर में रखो ना बंटी, और तुमने क्या किया हमको क्यों बता रही हो। अश्लील बंदा है। आई आई जी 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 हेलो अबे हेलो, अरे जे क्या कर रहे हैं, ओ लीला जे क्या कर रहे हैं। छी भाई छी 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 हेलो, तुमने ये तुम्हारा है, तुमने क्या ये मेरी गाड़ी खराब कर दी सारी। ये क्या हो रहा है, पता नहीं भाई। अरे ये कौन है तुम्हारे पीछे, अरे भूतनी आ रही है भाई। अरे तुम्हारा गर्लफ्रेंड आ गया पीछे, देखो पीछे। आने दे भूतनी को कफ मारूंगा, आने दे आने दे आने दे आने दे। अब नेक्स्ट टाइम तो भाई रोहित मारो पीछे। अरे तो तुम अपनी बहन से आया वालों नहीं कर रही हो, अबे जय को ना, माफी 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 देख रहे हो, और फिर भी गाड़ी रिपेयर कर रहे हो, देख रहे हो अपनी बहन से आया वालों कर दो। तुम्हारी घर पे भूतनी क्या क्या करते हैं। अबे अबे लेके जाओ उसको यहाँ से, जब डाटा नहीं लागे बिचार गया भूतनी चुड़ैल गई गई। ओए मैं ये तुम्हें अच्छा लगेगा, हमें क्लोथिंग स्टोर जाके सबको एक क्लोथ पहनना पड़ेगा, फिर आप मैं सोच रहा हूं वहां अभी करता हूं, आजा 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 क्रॉस क्रॉस पहनना पड़ेगा हम सब। आओ आओ भूतनी बुलाते हैं, भूतनी बुलाने के प्रक्रिया करते हैं, आओ 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 चलो क्लोथिंग स्टोर से बात करेंगे आज। एक जगह है जहाँ चल के बात कर सकते हैं, वहाँ पे काला जादू वगैरह होता है,
हाँ चलते हैं वहाँ पर, चमड़ा पहन के चलते हैं एकदम, भूतनी भूतनी बुलाएंगे, पूछेंगे तुम्हारा ब्याह हो गया है, ऐसा पूछेंगे उससे। पाला तो ठीक है, ये अच्छा था। पाला कुछ और भी है मेरे पास, चाहिए तुझे? नहीं मैं तो बेच के हूँ। हेलो मेन रेडियो पे जा। क्या? अरे भाई तो पेट्रोल नहीं भरवाऊं? अरे तो भाई तो पेट्रोल भरवाऊंगा तो चपड़े पहनने जाऊंगा ना भाई। हेलो हाँ ब्रैडी भाई, तो एक चल रही है गाड़ी की स्टॉक कराना है? अरे जबरदस्त चल रही है मेरे ख्याल से, तो मैंने वैसे लेस नहीं दिया अभी तक। अभी आ गई है, ज्वाइन कर लो आना है तो। अबे नहीं नहीं ये तो मुड़ ही नहीं रही गाड़ी, और लुक भी नहीं रही है पता है बारिश में तो। एक काम करो मेरी स्पोर्टिंग बॉस देता हूँ लेके जाओ, रेस्ट करो। अभी तो मैं तारा भूतनी पकड़ने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, पकड़ो पकड़ो, करता हूँ बाद में, फिर करते हैं ठीक है। सही है सही है, ओके ओके ओके। मैं जिस जिस रेस में थर्ड आया था उस रेस में बारिश ही हो रही थी, याद है तुम लोग? बारिश वाली रेस में थर्ड आया था। बताइयो कौन से हैं यार, मेरे को तो खुद नहीं पता, ढूंढने पड़ेंगे। वाह साले तू यहाँ पे ले आया, तेरी माँ का मुक्का मारूं। वो बंटी तू कहाँ था इसके टाइम चूतिये? अरे मैं बंटी लग रहा हूँ क्या तेरे को? दरी था मुझे पता ही नहीं था। इतनी गालियाँ देने का दिल चाह रहा था ना उस टाइम तेरे को, लेकिन चलो कोई नहीं। उन्होंने बीबीएमसी वालों ने कंटेस्ट कर लिया, तू शक्ल देख रहे क्या हुआ फिर? ले लिया वापस? हाँ चोट के फेंका हमने उनको। भूतली क्रॉस नहीं है मेरे पास, भूतली बुजावा काओ डाटा लीला को कालो। नहीं नहीं देखो टिल्लू को कुछ भी चलेगा, समझ रहे हो? भूत भी चलेगा। बता क्या है ये क्रॉस, बता क्रॉस बता क्या है ये? जैकेट 438, जैकेट 438 ये करना पड़ेगा। यस जैकेट में 438 तो आई नहीं है तो भाई, मेरे पास तो नहीं है भाई जैकेट में 438। सही से बता 4 तक कुछ और है, देख अंडर साइड होगा वो, अंडर शर्ट है या जैकेट है ये देख के बता। जैकेट है या वेस्ट है? जैकेट भाई आई नहीं 438, 440 है ये तो। पैंट्स पैंट्स मेरे पास 438 है। अबे 440 है साले, पजामा बता। पजामा पजामा पहन के घूमना है? आइए अब वी वोंट गेट अटैक। अरे आगे कौन चलेगा? बिल्कुल नहीं आएगा गोस्ट, इसका सुर सुन के नहीं आएगा। मासक बता कोई अच्छा सा गोस्ट मास्क पहनावा ना ये देख। गोस्ट मास्क नहीं नहीं गोस्ट मास्क कुछ चाहिए अच्छा सा, जिससे आत्माएं वात्माएं आ जाए।
अबे जब माकस आएगा नहीं यार इसमें पता है। एक मिनट ढूंढ रहा हूँ माकस का पर का। तो बाहर पहाड़ के जा रहा है। माकस क्या? काम करते हैं। एक भेड़िया बने एक उल्लू उल्लू बने एक भेड़िया एक उल्लू एक बोल ऐसे वाले माकस बन दो बोले ये दिख रहा मेरा माकस बता अपना माकस बता बंटी 207 हाँ 207 कड़ा के काड़ा है काड़ा है काड़ा है What's wrong with their head? 207 चल लो आई मैं चेंज कर लो और हेयर टाई लगा ले हेयर टाई लगा लो चेंज कर लो हेयर टाई लगा लो मैं कलर चेंज कर ले बोल रहा हूँ वो नहीं 207 ही है कलर चेंज कर ले मेरे पास नहीं है भाई तुम्हारा अलग जगह पर रखा हुआ होगा प्रॉब्ली हाँ बट क्या देख के कैसे तुम लोग का अरे मेरे एयर टाइम लगाना मेरे को एयर टाइम मदर पारा यू टेलिंग मी गंजे सामान दे सब एट आई दे सब यू टेलिंग मी आई हियर यू मेरे तुमार सुन 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 सुनो रे तुमार सुन हाँ मेरे तुमार क्यूट गैंगस्टर क्यूटीज यूनाइटेड रिट्वीट करोगे अरे क्यूटीज तू होने छोटे नेक्स्ट टाइम क्यूटी कहाँ है जिसका शरीर है क्यूटी मैकेनिक्स यूनाइटेड बात समझ में नहीं आ रही क्यूटी कहाँ है जब सरी नहीं है क्या क्यूटी अबे वो नहीं वो रेड रेड वो वाला शर्ट वाला वो आज कुछ हुआ था इसलिए हाँ मुझे तुम अबे किधर जाना है भाई पता नहीं जहाँ भूत मिले काना लेने चलते हैं पहले तो अबे फोर डोर गाड़ी निकालना हाँ चलो हाँ मैं लुस्सा लास्सा गाने लेकर आया मैं लुस्सा लास्सा गाने लेकर आ रहा हूँ जा अबे वो फोल्ड हो रहा है लेडी हाँ लेडी हाँ लेडी फोल्ड हो रहा है आज लुस्सा लास्सा गाना लेने चलो चलो अबे पेट्रोल तो है नहीं इसमें बहुत हैवी हो गया पीछे अरे यार वाके एड विजिट किसने चुरा लिया था हाँ मुझे तो माँ वो तीसरा सीट है बीच में बीच में मेरे को उसमें बैठ जाए तो वो भी आ जाएगा आप ओ वाव भूत को भी नहीं छोड़ रहे हैं फाइल
पेट्रोल भरवा लो इसके अंदर वरना हम भूत बन जाएंगे धक्का लगा लगा के। नहीं ये चलेंगे अब। अबे भाई बहुत ही कंजूस है भाई ये तो, क्या कंजूस होगा सामने बैठा दिया मेरे को। मैं दबा देता हूँ पेट्रोल यार मैं। नहीं नहीं पैरेलल पार्किंग करने दो कोई निकलने का नहीं। अरे 14 मिल लगाना। हाँ मिल जे तुम्हार सुन 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 सुधु जे तुम्हार सुन सुन मैं शो कर आया रुक जा। वीपीएन लगाना पड़ेगा मेरे को वीपीएन लगाना पड़ेगा। एक्सप्रेस वीपीएन विद आर जू I Express VPN, where are you? Here I am, here I am. Express VPN, Express VPN, where are you? Here I am, here I am. Express VPN, Express VPN, where are you? ए चार मानी चार मानी चार मानी भाई ना कैनन एक्सक्लूसिव कुछ भी नहीं है भाई। कौन बोल रहा है एक्सक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव कुछ भी नहीं है। मैं मुड़ कर आया कोई चीज एक्सक्लूसिव नहीं है भाई। एक्सक्लूसिव सिर्फ कंटेंट बनाने का तरीका है, चीजें एक्सक्लूसिव हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली Here I am, here I am. Mm-hmm.
इसका ऑडियो कम है क्या चैट? अब नहीं देख सकते डैडी फिंगर डैडी फिंगर वेयर आर यू जो मेंडर मैं क्या करूं दोबारा चेंज करना पड़ेगा बहुत सही पर मैं सिंगापुर के राउटिंग से जाता हूँ मकाचिनो थोड़ा प्रॉब्लम है सबके साथ हो रहा है यस सर राउटिंग चेंज करेंगे आई ब्रिंजल अबे इसमें तो सर्वर नहीं शो कर रहा योर व्यूज अबाउट जेबलेस आरपी यार मैं देखता नहीं जेबलेस को वेबसाइट से कनेक्ट कर नहीं अगर यहाँ पर नहीं शो होगा तो वेबसाइट पर नहीं शो होगा कनेक्ट नहीं होगा वीडियो वन ऑर्डर की लंका लगा दो VPS सर्वर ले लो मैं ले लेता हूँ VPS सर्वर यस अमेज़न का सर्वर लेके अपना VPS बना सकते VPN बना सकता हूँ मैं VPS लेके लेता भाई डिवाइस होल्डर की जी ले लो मीटिंग में बोल देना चाहिए था मैं अभी मास्क उतार दूंगा तू उतारेगा चैट वन ऑर्डर के पीछे पड़ी हुई मीन वाइल मी थिंकिंग ये हाई टेबल अभी तक कैसे चल रही साले तेरी बोल आई प्रिंस चल ज्यादा चिप्स खाओगे मैं खा रहा हूँ बड़ा सा पैकेट अकेले अकेले साले तू पड़ेगा कैसे चल रहा है कैसे वाह जबरदस्त आप सुनो जोरावर क्या हाल है मीनवाइल राघव है ऑन वेकेशन पेन हटाओ दादा इस सर्वर इशू मैं राउटिंग चेंज कर रहा हूँ ना अपने तो क्या पता सही हो जाए सर्वर इशू तो है आप तो कुछ मोड जी बैठा रहा है ठीक है भाई सुजीत भाई क्या हाल है मेन वाला लोगों का आई टेबल पे फोन ऑन में कर सकते चैट किसी और स्ट्रीमर के बारे में मत बोलिए अपना ओपिनियन आपका है आई नो दैट मेरे को भी पता है वो चीज बट देखो जो चीज चल रही है वो चल रही है नॉट गोना लाइक मैं उन्हीं से तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं स्टेम ना मैं राका भाई
और तीन चार लोग जो है वो यूट्यूब के एल्गोरिथम भी बिल्कुल अपोजिट जाके चीजें कर रहे हैं, और इस वजह से हम लोग चल नहीं रहे, क्योंकि वो चीजें करना हमको पसंद नहीं है. बट इन फ्यूचर आई विल डू दैट ऑनेस्टली. जिस दिन मैं गैरत का जामा छोड़ दूंगा और बगैरती का पजामा पहन लूंगा, तो देखो इवेंचुअली एक ना एक दिन दिमाग घूम जाएगा और फिर इज्जत विज्जत गई तेल में, एक फेक पर्सनालिटी बना के बैठ जाएंगे और उसको फॉरवर्ड लेके चलेंगे. डिस्कॉर्ड ग्रुप में ऐड कर लो मुझे फॉलो. क्या क्या बनेगा कभी सोलर संचार करने की टेक्नोलॉजी, और कौन से जब आता है तो सुनना मिलता है क्या साले बताऊं विवेक, राम सारे वेटिंग फॉर दैट. तीन को कहाँ जा रहे हो कैसर भाई? तीन को मैं जा रहा हूँ आई ब्रिंजल, आज तो पहली तारीख हो गई है. एक्चुअली हमको 9 तारीख को निकलना चाहिए इंस्टेड ऑफ 3. यार क्या लगा है वीपीएन सिंगापुर लगा पेशेंस बस हमको. तो भाई आपको ऐसे क्या लगता है जो लोग जो आप लोग नहीं कर रहे हो वो लोग कर रहे हैं? यार बेसिकली हमारे जो पुराने लोग हैं ना, अभी हम उनके लिए ही कंटेंट बना रहे हैं और उनको जो पसंद है वो बना रहे हैं. नई ऑडियंस के पास ये वाला कंटेंट नहीं चलता, चलेगा ही नहीं. नई ऑडियंस में सबसे पहले हमें एक कंटेंट बनाने से पहले बैठना पड़ेगा कि हम किस एज को टारगेट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली 4 साल से लेके 14 साल तक 16 साल तक भर भर के टाइम है लोगों के पास, इतना टाइम है, इतना टाइम है जिसको याद नहीं. तो हमें वाली ऑडियंस टारगेट करनी पड़ेगी अगर हमें आगे बढ़ना है. समझे? कहाँ घूम रहे हो? काम करो. आई रियली वॉन्ट टू हाई टेबल जीते. हाँ एग्जैक्टली हाई टेबल के टास्क पूरे होने पर ही जाने का मेरे कोशिश ये है कि हाई टेबल के टास्क पूरे होने पर ही जाने. आई एम 33 ईयर ओल्ड एंड आई लव योर कॉन्टेंट. या वही मैं बोल रहा था ना, बट ये कॉन्टेंट ना हर किसी बंदे को हिट नहीं करता. उसको पता ही नहीं लगता लोगों को कि आरपी में चल क्या रहा है, कैरेक्टर समझने में
अब वो वाला माइंडसेट होता भाई, रॉबरी करो ना भाई, माइकल फ्रैंकलिन ये वो, उनको क्या पता टिटलो ग्लोव्स कौन है, उनको क्या पता वो कौन है मार लेगा। अरे भाई साहब आ गया भाई, मैं आ गया आ गया आ गया, दिल को सुनाने में आ गया भाई। क्या खाना लोगे? खाना भूत भूत भाई, खाना दो भाई, लाओ लो लो, जाओ ट्रे ट्रे में रखो, जाओ वहां से उठाओ। आ रहा हूँ भाई। भूत भाई अभी तुम्हारे साथ थे कि तो मार ली एक दूसरे भूत ने। ओ मिला जा चोरा चोरी जाने कह के तुम्हें, मेरा नाम टिल्लू ग्लोव्स। मुझे डर नहीं लग रहा, मेरा नाम टिल्लू ग्लोव्स है। हाँ है, हाँ है क्या बे होना था बाप। अरे इसकी बयान का, अरे यार आवाज ठीक कर जाती है तो मैं क्या करूं क्या करूं, आवाज ठीक हो गई पता है। अपने अम्मा बहन पर आ जाऊंगा मैं, मलेशिया चलता है गाइस, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, सिडनी से होते हुए रूम पर आते हैं एकदम फुल खेलेंगे सिडनी की। जैसे खेलते खेलते स्कूल के बच्चों ने पोयम गाया कर फ्री फायर वाली ऑडियंस टारगेट मिल गई। ओए फ्री फायर खेलने वाला हूँ मैं, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट भाई, फ्री फायर खुलना तो डीजे आलू एकदम कर दूंगा भाई साहब, रोजाना एक डीजे होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और पिक्चर लाइक करो जाके, शाबाश। क्या करूं उसका, मार भी नहीं सकता जो है। मुझे लग रहा है आज पूरी दुनिया घूम लो, क्या करूँ उसमें, सिंगापुर में आवाज सही हो गई थी, वो डिस्कनेक्ट हो गया। चुका मैं नेट रिस्टार्ट कर दिया हूँ यार, कॉल क्या पता सही हो जाए, आऊँ क्या नेट रिस्टार्ट। ब्रो हाइड्रा किसकी साइड है, हाइड्रा कौन सी साइड है, सर्वर साइड इशू है, ठीक नहीं होगा। मेरी जैसी किस्मत है तो तू इंडिया में आ जाए, यहाँ भी प्रॉब्लम शुरू हो जाए। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, नेट रिस्टार्ट करके आ
आ रहा हूँ मैं, रिस्टार्ट करके लास्ट ट्राई ने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम हम GTA 5 खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा गाइस। गाइस ये फट गई है गाइस। हेलो गाइस, ओ माय गॉड, माय गॉडेस, my God. You didn't call me, I have many meetings. भाई सनी को बोला था, सनी ने सबको बुलाया नहीं गया, बुलाना तो सबको से। देखिए नॉट गोना लाइव भाई, मेरा मोबाइल चलते-चलते सिग्नल लेना बंद कर दिया है, और मैंने देखा आज अपडेट आई है उसके, तो फोर्सफुली अपडेट करवा रहा कुत्ते का बच्चे। यार ये नहीं होगा, अभी दोबारा आवाज का प्रॉब्लम आएगा। जिन के आरपी निपटाते हैं बंद, जो बाइंड अप करते हैं और क्या। वैभव के साथ आरपी निपटाते हैं, मिलते हैं। ठंडा चल रहा है, मीटिंग। भाई हेलो, सनी ने नहीं किया क्या?
हेलो भाई आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है भाई? खाना दे दो भाई। मैं मुझे तुम्हार चुन 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 इधर आओ ना। ठीक है एंटरटेनमेंट भी रखते हैं क्या वाले? हां की सुविधा भी है एंटरटेनमेंट के लिए। नहीं है अमी मून सोली का जो रूस्टर नाचने वाले है ना। नहीं नाचने वाले तू हो साले। सुनो 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 जो एक सेशन जो रूस्टर के ओनर है ना ओनर वो अपने आप में एक एंटरटेनमेंट है ना तो वो दिखते भी नहीं लोगों को इतनी जल्दी से। तो बेटा तेरे को ऐसी चीज दिखाऊंगा ना चिल्ला चिल्ला के भागेगा तू। कौन? अरे मतलब ओनर की तारीफ क्या करूं मैं? हाँ तुम क्यों चल रहे हो बे? तुम भूत? अब आवाज़ मैं यूं कर लूँगा लो कंजर। कल नहीं है आया मैं दो मिनट रुकना। स्टीव आन लगी मुझे किसकी आवाज ही नहीं आ रही है। इंटरनेट को सही चल रहा है फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? माइक हिला के आ जाओ माइक हिला के आ जाओ सामने वालों का आवाज तो उनकी नहीं आ रही है। सामने वालों का माइक कैसे ला लूं? VPN हटा कर आओ। VPN हटा हुआ है मेहम वाले से बात करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे जो भी करेंगे। नहीं नहीं डिफिन प्रॉब्लम कर रहा है मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम है। मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम है। फकिंग वेस्टेड मैन 15K यार। तो प्रॉब्लम कर रहा है यार ये नया इंटरनेट की। मैं नेट वाले को कॉल भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मोबाइल के नेट नहीं आ रहा। नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी फिलहाल जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई। आई ब्रिंजल नेट रिस्टार्ट करके एक बार स्पीड टेस्ट करो। वही कर रहा हूँ मैं स्पीड टेस्ट कैलकुलेट नहीं हो रही जब तो मेरे को पता लगा स्पीड टेस्ट की ना मैंने स्पीड टेस्ट कैलकुलेट नहीं हो रही। राउटिंग का प्रॉब्लम हो गया शायद क्योंकि नेट सही चल रहा है और ये राउटिंग का प्रॉब्लम है। मे बी राउटिंग का प्रॉब्लम आ गया क्योंकि मेरे पास नेट सही चल रहा है। किसी को वो वाली कमांड पता है जिससे सर्वर की आईपी निकाल सके? यार क्या बोलते हैं उसको मेरे को कमांड याद नहीं आ रही।
क्राफ्ट लो करने से कुछ नहीं। आईपी कॉन्फिग ऑन, आईपी कॉन्फिग ऑन नहीं है रे। सोच रहा हूँ दो इंटरनेट रखूँ अपने पास, पुराना वाला इंटरनेट भी ना निकाल। टाइमिंग ही चेंज करनी पड़ेगी गाइस, 11-12 बजे तक वाइंड अप कर लिया करेंगे स्ट्रीम, दोपहर में जल्दी स्ट्रीम कर लिया करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन है नहीं इस चीज़ में। पाँच मिनट में रिस्टार्ट करके आ गया, मैं रिस्टार्ट कर भी लूँगा, नहीं सॉल्व होगा, रिस्टार्ट कर लिया मैंने। नेटवर्क इशू इन कराची जस्ट नाउ हाफ आवर से, देखा पूरा कराची का ही इंटरनेट खराब हो गया, कहाँ से ले आऊँ अब इंटरनेट। पेडी सेल के बैक एंड से जो आ रहा है उसमें प्रॉब्लम है ना, मेन लाइन में प्रॉब्लम आ गई। शाम को EFT खींचना कम करो, EFT छोड़ना पड़ेगा परमानेंट, आई हैव टू फोकस ऑन GTA एंड ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्चुअली, आई हैव टू लीव EFT फॉर सम टाइम। एक मिनट रुको मैं। मिलते हैं फिर कल जल्दी, इसको भी निपटाता हूँ उसको भी निपटाता हूँ, कल मुझे जल्दी आके चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी। चलो बाय बाय, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा यार, ऑनेस्टली कुछ नहीं चल रहा अभी। चलो अफरोज मेरी जान, वालेकुम सलाम, जबरदस्त आप सुनो नहीं जीजिस ऑडियो गुड नाइट यस, चलो बाय बाय, गैंगस को भी देना, हाँ जिंग जिंग सनी को बोलना मैं हमसे बात कर ले, यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू बाय बाय टाटा, थोड़ी देर में ट्राई।